बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने नाजरीन हाजरीन और जो यहाँ मौजूद हैं सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज की तरबियत के सेशन में मैं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा प्रोफेसर डॉक्टर अतर के साथ आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। हमारी ये सीरीज आप लोगों को मालूम है कि पिछले 3 हफ्तों से जारी है और इसके अंदर हम हर 2 दिन हफ्ते में बैठक करते हैं और अपनी निशस्त करते हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम ये डिफरेंट टॉपिक सेट कर रहे थे तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को सामने रखा था कि ये छोटी छोटी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दर्द, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक हम सब मुझे पुराना शेर, जब ये टॉपिक मैंने सुबह देखा तो मेरे जहन में पुराना शेर आ गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करोबी। तो ये वो शेर था जो मेरा ख्याल हमने मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो जब हम इस शेर की तशरीह या इसको आज के मौजूदा हालात के साथ लिंक करते हैं तो एक चीज बड़ी वाजे होती है कि वो दर्द जो सिर्फ अपना आपका महसूस हो और दूसरों का महसूस ना हो तो फिर वो हमें जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं वाजे करता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि दर्द की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जो कि आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हमें बताएंगे कि उनके नजदीक दर्द की क्या डेफिनेशन है। क्योंकि एक चीज बड़ी आया है और वाजह है कि जो बंदा दर्द को छुपाना नहीं सीखता वो प्रॉपर जी नहीं सकता। तो मैं इसी बात से आज के प्रोग्राम का आगाज करूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब को वेलकम भी करता हूं। तो सर आप क्या कहते हैं कि एक अक्सर हम कहते हैं कि लफ्जों के दांत नहीं होते लेकिन उनका दर्द बहुत होता है, तो ये कौन सा दर्द है जो हमें महसूस होता है जो कि लफ्जों से होता है और जिसमें हमारी इंफरादी जात शामिल होती है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा सोसाइटी में बंदा ऐसा है जो इस प्रोसेस से ना गुजरा हो, क्योंकि मैं तो इस पेन को एक लर्निंग प्रोसेस भी समझता हूँ। वो कहते हैं कि हर तखलीक जो है वो तकलीफ से जुड़ी हुई है, हर तखलीक जो है वो एक तकलीफ से जुड़ी हुई है। इसमें बड़ी मिसालें दी जा सकती, बच्चे की पैदाइश एक नई तखलीक है, माँ किस तकलीफ से गुजरती है, हमारे मजहब का जहूर पजीर होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकलीफ से गुजरना और उसके बाद इस्लाम मजहब का वजूद में आना। उनकी तकालीफ को देखें तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया की तकालीफ एक तरफ होंगी तो उनकी तकालीफ एक तरफ है। अगर हम ताइफ का वाकई जेहन में रखें तो वो मेरा ख्याल उस तकलीफ की हाइट है, लेकिन आप उस तकलीफ से गुजरे और एक हमारे मजहब का वजूद इस्लाम है। इस तरह वो मुझे याद पड़ता है, छोटे होते वो हमें कहानी पढ़ते थे, गालबन अंग्रेजी में तो बुद्धा कहते हैं महात्मा बोध था कि अमीर घराने का रहने वाला था, बड़े ऐशो इशरत में पला था, एक दफा किसी को तकलीफ में देखा तो अपने महल वगैरह की सारी अयाशियां जो है वो सारी आसाइशियां छोड़ी और जंगल में चला गया और तकलीफ के मराहल से गुजरा। तकलीफ के मराहल से गुजरा तो एक बुद्ध मत का वो जो है मजहब जो वो उसने तकलीफ कर दिया। इसी तरह आप हीर राजा को देख लें, सोनी महीवाल को देख लें, ये तमाम के तमाम वो हैं जो के तकलीफ हुए लेकिन तकलीफ से गुजरने के बाद। एक तो मेरा एस्पेक्ट उसमें ये वाली है। अच्छा, अब हम अगर अपनी सोशल लाइफ में देखें तो सोशल लाइफ में भी हम बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की तकलीफ, किसी लड़के या लड़की का डाइवोर्स हो जाना वो उस तकलीफ से गुजरता है। किसी वालदेन का, किसी बच्चे के वालदेन का जब वो यंग था, जब उसको उसको बड़ी सख्त जरूरत थी, उसकी फैमिली में क्राइसिस आया, वो उस तकलीफ से गुजरा, या वालदेन के होते हुए उनकी औलाद का मर जाना, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। तो ये एक सीरीज है जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। इसी तरह किसी की जॉब छूट जानी, मतलब वो भी एक तकलीफ का मराहल है कि जॉब अच्छी भली थी, जॉब उसकी छूट गई। अच्छा, क्वेश्चन अब आपका ये था कि ये जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ये जॉब के हवाले से, कि कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेन इज ए लर्निंग प्रोसेस, जो अपने आप को ये समझा लेगा वो इस पेन के प्रोसेस से जो है वो बाहर आ जाएगा। मतलब एक मैं छोटी मिसाल ये जॉब की देता हूँ कि जॉब छूट जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। एक बंदा किसी जगह पे गया, अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि कई कंपनियां जो है वो ले ऑफ कर रही हैं, अपने लोगों को निकाल रही हैं, अब उस बंदे के लिए उस पेन से निकलना बातों की हद तक तो ये बड़ी आसान है लेकिन इन रियलिटी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब एक प्रोसेस उसके ऊपर इम्पोज हो चुका है, वो उसके ऊपर थ्रस्ट अपॉन हो चुका है, इसको मैं यूं करता हूं कि सबसे पहले तो अपने आप से लव करना सीखे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप अपने आप से लव नहीं करते भी तो आप उस पेन से नहीं निकल सकते। अच्छा, अब ये जॉब की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जॉब छूट गई है, अब वो इसको इस पॉजिटिविटी में ले कि मैंने, जाहिर है वो घर में बैठ गया, अब घर में बैठ के वो अपनी बीवी के मामूलात देख रहा है, अपने बच्चों के मामूलात देख रहा है, ये तमाम चीजें उसको ये रियलाइज करवाएंगी, यार जब मैं घर से चला जाता था तो मेरी बीवी जो है इतना ज्यादा काम करती थी। मतलब ये वो चीजें जो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। फिर वो घरों में आने वाले मसाइल जिनको उसकी बीवी जो है वो सिंगल हैंडेडली उनको डील कर रही थी, अब वो घर में बैठ के वो देख रहा है कि ये तमाम के तमाम मसाइल मैं घर से बाहर रहता हूँ, मेरी बीवी उसको देख रही है, ये पॉजिटिविटी भी है। फिर दूसरी पॉजिटिविटी वो ये देखे कि मैं यार अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार, ये इसके अंदर पॉजिटिविटी है। और उस पॉजिटिविटी के अंदर रहते हुए वो थिंकिंग वाला प्रोसेस जो जरूर कर, थिंकिंग वाला प्रोसेस कि हाँ ये मैं क्राइसिस आ गया हूँ तो मैंने इसे कर, तो उसके लिए वो एक मशहूर राइटर है, मैंने उसको कहीं सुना था, वो कहता है अगर आपके पास पेन आ जाए ना तो आपको 5 INGs करने चाहिए, इंग्स जिसे हम कहते हैं। उसमें वो सबसे पहली बात वो कहता है कि राइटिंग या जर्नलिंग उनसे बोलता है कि राइटिंग, कि आप लिखना शुरू कर दो कि ये जो वाकया हुआ ये मेरे साथ ही क्यों, ये एक एक चीज जो है ना उसके ऊपर आप अपने लिखे, आप अपने आप को मिलने वाली नेमतों को लिखो, अपने आप को मिलने वाली मुश्किलात देखो, और जो आपको नेमतें मिली हैं उसके ऊपर अपनी आइंदा का लाइफ का जो है लाई अमल करो, इसको वो कहते हैं राइटिंग करो। दूसरा वो कहते हैं कि टॉकिंग, आप टॉक करें, टॉकिंग भी जो है ये आपका कैथारसिस निकालती है। अब इसके लिए आपके किसी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड का होना, आपके किसी मेंटर का होना, आपके वालदेन का होना, या आपके अमंगस्ट द फ्रेंड जिसके साथ आप दिल की बातें जो है वो कर सकते हैं, वो उसके अंदर जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरी वो इसके अंदर बात करते हैं कम्यूनिंग, कम्यूनिंग से वो ये मुराद लेते हैं कि गोइंग टुवर्ड्स द नेचर, आपके घर में कोई अगर बाग लगा हुआ है, या आपके घर से थोड़ा सा दूर कोई बाग है, आप नेचर गए हैं या फूल वहां पर लगे हैं, आप वहां पर जरूर मूव करें, वहां जाकर आप जरूर बैठे बूटे अपना टाइम उसके साथ निकालें। चौथी वो इसमें वो बात कहते हैं कि ING में कि मूविंग, मूविंग से कहते हैं दो तरह की, अब आप ले सकते हैं, आप अपना शहर छोड़ दें, जाहिर अगर आपको एक शहर के अंदर एक तकलीफ मिली है तो आप अपना शहर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि आप अपना शहर छोड़ दें दूसरी जगह चले, कोई न्यूयॉर्क में बंदा बह रहा तो वो टोक्यो में चला जाए, नॉट पॉसिबल। या हमारे भी यहाँ पे ऐसे है अगर लाहौर का रहने वाला तो मुझे कहे दूसरे शहर में चला जाए, ये मुश्किल है। और दूसरी वो मूविंग की डेफिनेशन लेता है एक्सरसाइज के हवाले से कि कीप योरसेल्फ बिजी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके अंदर डोपामिन का इंक्रीज होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये आपको खुशी देता है। और आखिरी वो कहता है कि मतलब ING है वो रेस्टिंग है, कि ये तमाम बातें करते हुए आप अपनी लाइफ को रेस्टिंग फेज में भी लेकर आए, क्योंकि एक तकलीफ दे प्रोसेस उससे आप गुजरे हैं, उस तकलीफ दे प्रोसेस ने आपको तकलीफ दी है, नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट क्वगमायर, आपने उससे बाहर आना है, किस तरह आना है, तो वो रेस्टिंग फेज आपका दिमाग एक ऐसी चीज को लेके चलेगा कि आप उसे देखेंगे कि यार मैंने ये वाला काम कर दिया तो मैं इसके साथ अब जो है वो कैसे अपने आप को, तो ये वाली वो चीजें हैं जिनके बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ठीक है तकलीफ के दांत नहीं होते भी लेकिन ये बड़ी, क्योंकि ये जो होती है जो दिमाग को जो चीज ऑक्यूपाई कर देते, तो पेन जो है ये आपके दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है, इसको आप उसी सूरत में निकाल सकते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जितनी मैंने बातें की हैं कि अपने आप को बिजी रखना, मेरी इन सारी बातें जितनी मैंने की हैं इनमें अगर आप देखें तो ये तमाम का तमाम जो है वो इसका जो लुबे लुबाब है या इस सेंस आप कहने कि आपकी बिजीनेस है, जितना ज्यादा आप लोनलीनेस होंगे, तो कहते हैं लोनलीनेस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सुइसाइड, आप ऐसे बंदे को खुदा ना खासा जिसको ये इस किस्म की पेन मिले अगर वो आइसोलेट रहना शुरू कर दे, दैट इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग। अगर खानदान में कोई ऐसा केस आया था जो जितनी मैंने ये बातें की जिन तकलीफों से वहां से गुजरा है, तो अगर वो अपने आप को अलोन करना शुरू कर देगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कहते हैं। फिर वर्स्ट स्टेप जो है दैट लीड्स टुवर्ड्स द डिप्रेशन, डिप्रेशन अल्टीमेटली आपको इंसान जो है वो अपने आप को अपनी जिंदगी से हाथ धो बढ़ता है। तो ये वो वाली बातें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि हमें हर लिहाज से जो है ना, जैसे वो मुझे याद है आपने वो मैंने वो फिल्म का जिक्र किया था उसकी, नेल्सन मंडेला की, कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में था, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में था, वहाँ उसको उसके बेटे की डेथ की इतला मिलती है, ये जरा शहजाद मोहम्मद अली या बाकी मेरे तो ये जरा सुनने वाली बात है, एक बंदा 27 साल कैद रह रहा है और 5 साल बाद उसके 13 साल के बेटे की उसको इतला मिलती है कि वो तुम्हारा बेटा जो है वो डेथ हो गया, वो जाके मिन्नतें करता है कि यार मेरा पहला बेटा था, मुझे उसकी ब्यूरियल में जाने था,
तो वो उसे कहते हैं ब्यूरियन यू विल हैव टू स्टे हियर फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, के बजाय के थोड़ी सी हमदर्दी के बोल बोले, तो वो देखें वो क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से फिर उसने क्या सीखा। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप कैद में हो और आपका बेटा फौत हो जाए और आप उसको जानना चाह रहे, आप कहें कि मुझे वहाँ जाने दे, लेकिन आपको वहाँ पे वो नहीं जाने देते भी। तो ये वाली बात है कि मैं इसको यूं समझता हूँ कि हमने जितना भी इस हवाले से गौर वफौस करें, अपने दोस्त अहबाब से जिक्र करें, उतनी ये पेन की शिद्दत जो है वो कम हो। थैंक यू। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ भी, और जैसे कि आपने बताया कि पेन इज अ लर्निंग प्रोसेस, और ऑफ कोर्स हमजा भाई आपकी तरफ आता हूँ कि लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, लाइफ इटसेल्फ इज अ जर्नी। तो हम ये फील करते हैं, या मेरी जाती राय है ये, कि दर्द महसूस करने की भी कैटेगरीज होती हैं और दर्द महसूस करने के लिए बंदे भी अलग अलग होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे हम ये अमूमन बचपन से ये मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि नो गेन विदाउट पेन, तो हम लाइफ के अंदर क्या कोई चीज विदाउट पेन के हासिल कर सकते हैं? ऑलराइट, डॉक्टर शहजाद नवीद जदून, डॉक्टर आतम महमूद और ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर वक्त निकाला और बज़ाहिरन एक आम मौजू लेकिन दर हकीकत जिंदगी से मुकम्मल तौर पे जुड़ा हुआ जो मौजू है, एक और मौजू जिसके ऊपर आज हम बात करें और दर्द है। और मैं डॉक्टर शहजाद नवीद जदून के सवाल का एक क्विक जवाब दूंगा और फिर मैं डॉक्टर अतर की एक बात पे कमेंट करके फिर मैं आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। आपने कहा पेन और गेन का जो ताल्लुक है जो हमें शुरू से बताया जाता है, तो इसमें हकीकत है, इससे तो इनकार नहीं है। और ये ताल्लुक जो है पेन और गेन का, ये बेसिकली उन मुश्किलात का इजहार है, उन सऊबतों का इजहार है जिनसे गुजर के हम अपने मकसद, अपने टारगेट और अपने अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। वो एक है ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, लबों तक जाम आने में हजारों लग्जिशें हायल हैं लबों तक जाम आने में। सो जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ इंटरनल कंट्रोल नहीं होता, मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर उसका इख्तियार ज्यादा होता है जबकि एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं होता। सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, उनको प्ले अराउंड करना पड़ता है, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्लिप्स, देयरफॉर मुश्किलात तो हैं, देर इज नो गेन विदाउट अ पेन। आपको नींदें भी जो है कुर्बान करनी पड़ती हैं, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, आपको ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ट्रेड ऑफ आप सब बेहतर समझते होंगे कि आप किसी एक चीज के हसूल के लिए किसी एक चीज की कुर्बानी देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ, कि आप चाहते हैं कि आप एक असाइनमेंट पूरी कर लें और उसके लिए आप 10 घंटे की जगह 8 घंटे सो रहे हैं, तो 2 घंटे की नींद कुर्बान कर रहे हैं, सो दैट्स अ ट्रेड ऑफ। सिर्फ देखना यह होता है कि वो जो ट्रेड ऑफ है वो एज एट द एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो एक सेंसिबल ट्रेड ऑफ था, वो एक कैलकुलेटेड एजुकेटेड रैशनल ट्रेड ऑफ था, या वो ऐसा ट्रेड ऑफ था जिसको रिपीट किया जा सकता है। अगर नहीं तो यू गेट बैक एंड यू रीस्टार्ट द जर्नी के नहीं, लेट्स हैव अ डिफरेंस ट्रेड ऑफ, डिफरेंस ऑफ ट्रेड ऑफ। ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ट्रेड ऑफ क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे लोग अपनी जिंदगी के खुशी के लम्हात का ट्रेड ऑफ कर देते हैं चंद पैसे कमाने के लिए, लोग अपने दोस्त ट्रेड ऑफ कर देते हैं अपना करियर बनाने के लिए, लोग अपनी फैमिली बच्चे ट्रेड ऑफ कर जाते हैं, जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं उसमें अपनी लाइफ को ट्रेड ऑफ कर जाते हैं वर्क के साथ, इसीलिए गोरे ने वर्क लाइफ बैलेंस की बातें शुरू कर दी। बट दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, और आई एम श्योर के इन नशिस्तों में नहीं तो कहीं और हम ट्रेड ऑफ के ऊपर जरूर बात करेंगे ना। एक बात में डॉक्टर अतर की कॉमेंट, डॉक्टर अतर ने वो कहा ना कि मूविंग, तो वो मुझे याद आ गया कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। सो ये एक दर्द की खास सोर्स है, इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड अलाउ मी टू यू नो बेस एंड ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक। देखिए दर्द जो है, जिसे पेन अंग्रेजी में कहते हैं, ये एब्डोमिनल भी हो सकता है, पेट का दर्द भी हो सकता है, ये जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, जो इसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ उम्र के हवाले से, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन भी हो सकती है, ये नर्व पेन भी हो सकती है, ये डेफिनेटली डिलीवरी पेन भी हो सकती है। लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साइकोजेनिक पेन्स के बारे में, वो पेन्स जिनका ताल्लुक सोच से है, नफ्सियात से है, और इन्हीं साइकोजेनिक पेन्स को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में स्पिरिचुअल पेन्स भी कह सकते हैं। सो
सो आज हम इस मौजू को जरा सा कंफाइन कर दें कि हमारा मौजू जो है वो साइकोलॉजिक और या स्पिरिचुअल या सोच का जो दर्द है उसके ऊपर है. नाउ रिमेंबर कि पेन किसी भी नौयत का हो, चाहे वो साइकोलॉजिक नेचर का हो या वो फिजियोलॉजिकल नेचर का हो, वो एक अनप्लेजेंट और डिस्ट्रेसिंग फीलिंग होती है. राइट, अगर आपको कट आ जाए जो आपको दर्द है तो दैट्स अनप्लेजेंट एंड डिस्ट्रेसिंग. सोच का दर्द भी जो है वो अनप्लेजेंट और डिस्ट्रेसिंग तो होता है, इसीलिए इंसान जो है वो घबराहट का शिकार होता है. सो एक तो ये कि एक अनप्लेजेंट एंड डिस्ट्रेसिंग फीलिंग है, दूसरा ये कि ये डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस जो है ये किसी स्टिमुलाई का पे ऊपर इसका इन्हेसार होता है. अगर कोई स्टिमुलाई नहीं होगा, अगर छुरी जो है वो आपका जिस्म नहीं काटेगी तो आपको फिजियोलॉजिकल पेन नहीं होगा. इसी तरह सोच के लिए भी कोई स्टिमुलाई होता है, द स्टिमुलाई एक्चुअली ब्रिंग्स दैट अनप्लेजेंट एंड डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस. अब जब वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इंसान जिससे गो थ्रू करता है स्टिमुलाई का, तो उसका एक रिजल्ट निकलता है. वो रिजल्ट टिश्यू डैमेज की सूरत में भी हो सकता है, और वो रिजल्ट पर्सनैलिटी डैमेज की सूरत में भी हो सकता है, और वो रिजल्ट जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का है वो किसी चीज को ट्रिगर भी कर सकता है. सो देर आर टू रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स, एक डैमेजिंग रिजल्ट और एक ट्रिगरिंग रिजल्ट. सो दर्द का, जो हम सोच के दर्द की स्पिरिचुअल दर्द की बात कर रहे हैं, उसका एक नतीजा क्या निकलता है अनप्लेजेंट, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि उसने आपको डैमेज कर दिया, आपने अपना आइडेंटिटी अपनी लूज कर दी, आपने अपनी अपने प्लान्स लूज कर दिए, आपने अपना विजन लूज कर दिया, आपने अगले वक्त का जो रखते सफर बांधना था वो आरजू छोड़ दी, तो दैट्स डैमेजिंग. बट ऑन द अदर हैंड इट कैन बी ट्रिगरिंग. आपको वही दर्द जो है वो किसी तहरीक के लिए मुतहरिक कर सकता है, वही दर्द जो है वो आपके अंदर एक खास किस्म का सुकून लेके आ सकता है, जिससे आप अपनी एनर्जीज को रीगैदर करके आगे बढ़ सकते हैं. सो दर्द तहरीक का सबब भी हो सकता है, एक इनिशिएशन ऑफ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ का जरिया भी बन सकता है. सो दर्द का नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है. अच्छा, दर्द के सिम्टम्स हैं, आपके इल्म में है, मुझसे बेहतर जानते हैं. गुस्सा एक दर्द का सिम्टम होता है, आपको एक्चुअली अपनी मलकियत के खोने का दर्द होता है तो आपको गुस्सा आता है. तो दर्द का ताल्लुक मलकियत से, तो मलकियत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है स्टिमुलाई होता है दर्द का. इसको हमें समझने की जरूरत है. जब हम कहते हैं ना कि नए कपड़े बदल के जाऊं कहां, तो ये मलकियत की वजह से ये दर्द है कि आपको अपनी मलकियत लूज होती नजर आती है किसी फर्द के ऊपर. आपको लगता है भाई मैं होते चली गई या फिर होते चला गया, व्हाटसोएवर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द टॉक लिटिल लाइटर. सो मलकियत जो है वो एंगर का सबब बनती है. सो द सिम्टम ऑफ दर्द क्या है? एंगर आपका सिम्टम ऑफ दर्द है. आपकी जो नाउमीदी है, इट्स अ सिम्टम ऑफ दर्द. आपकी एंग्जाइटी सिम्टम ऑफ दर्द है. स्लीप डेप्रिविएशन, नींद का उड़ जाना एक दर्द का सिम्टम है. अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये नींद का उड़ जाना डैमेजिंग दर्द का रिजल्ट भी हो सकता है और ट्रिगरिंग दर्द का रिजल्ट भी हो सकता है. डैमेजिंग स्लीप डेप्रिविएशन ये होगी कि आपको नींद नहीं आ रही और आप बेचैन हो रहे हैं. ट्रिगरिंग स्लीप डेप्रिविएशन ये होगी कि आप अपने खास नए रस्ते के लिए जिसके ऊपर आप मुतहरिक हो चुके हैं उसको हासिल करने और उसको प्लान आउट करने के लिए आपको नींद नहीं आ रही. बट स्लीप डेप्रिविएशन एक अलग टॉपिक है, बट दिस इज वन ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ दर्द. स्लीप डेप्रिविएशन दर्द के बगैर नहीं होती. मूविंग ऑन, खुदा हमें तन्हा छोड़ गया है, ये एहसास की बेदारी जो है ये भी दर्द का एक सिम्टम होती है. आपको लगता है आप तन्हा रह गए हैं, द गॉड हैज डिजर्टेड यू, खुदा आपको तन्हा छोड़ गया है, खुदा की रहमतें आपको छोड़ गई हैं. फिर आपके अंदर एक नाराजगी का एलिमेंट पैदा होना शुरू होता है. वो नाराजगी जो है वो आप खुदा से भी आपकी नाराजगी शुरू होती है, घर वालों से भी नाराजगी शुरू होती है. सो नाराजगी का इजहार जो है ये एक सिम्टम ऑफ दर्द है. मूविंग ऑन, losing self-identity is one of a symptom of dard. Definitely, shak aur shubhat jo hain, ye bhi aapke dard ka natija hote hain. Jab aap shak karne lagte hain, chahe apne aqeedah pe shak kar rahe ho, chahe dusre ke upar aap shak kar rahe ho. So, main abhi ke liye is baat ko conclude karta hoon ke psychological pains jo hain, jinka taluk khayalat se hai, jazbaat se hai, soch se hai, ruh se hai, उनका पॉजिटिव रुख ये है कि वो आपको मुतहरिक कर सकती हैं और उसके मुख्तलिफ जो है सिम्टम्स हैं. मैं बात को जब आगे लेके जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर सोर्सेज ऑफ दर्द के ऊपर बाद में बात करूंगा. सो प्लीज मूव ऑन.
जी थैंक यू हमजा, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि फिजिकल दर्द के अलावा जो साइकोलॉजिकल पेन्स होते हैं उन पेन्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है और उनको हम पॉजिटिव वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे कुछ चीजें जो आपकी सोच के साथ, जो कुछ चीजें आपकी आपके अमल के साथ, और कुछ चीजें जो आपके अमल की वजह से किसी दूसरे के साथ आती हैं, अगर उन चीजों का एहसास या उन चीजों का दर्द अगर आपके अंदर मौजूद है तो ये इस चीज की बड़ी अहम निशानी है कि आप राइट डायरेक्शन पे और आपको चीजें मोटिवेट करती हैं। सर मैं आपकी तरफ जाता हूँ, हमने तो बचपन में, फिर मैं थोड़ा सा टॉक को लाइटर साइड पे लेके जाऊंगा, हमने बचपन में सुना था मर्द को कभी दर्द नहीं होता, इसमें कितनी हकीकत है सर? ये दोबारा करें, किसको? मर्द को कभी सर दर्द अतर नहीं मुझे सुन होता, रहे हैं? डॉक्टर साहब मुझे मर्द को आवाज कभी नहीं आ रही दर्द नहीं तुम्हारी। होता। हेलो 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 जी डॉक्टर साहब मर्द को कभी दर्द नहीं होता, डॉक्टर अतर। Where are we? I think बाकी लोग हमारे साथ हैं मौजूद। डॉक्टर अतर आपको आवाज आ रही है? जी, सर अतर मौजूद है? मुझे लगता है हमने दर्द की बातें बहुत ज्यादा करके ना हमने इंटरनेट नहीं को भी बहुत आप, ज्यादा नहीं, आपने ये जो मर्द को दर्द नहीं होता है ना, ये आपने एक कर तासुब ज्यादा जुमला जो बोला है तो इसके दिया। ऊपर नहीं, मैं उसी के उसी एहतजाज उसी के ऊपर तो क्लैरिटी चाह रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर तो क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि बचपन से ये सुनते आ रहे मर्द को दर्द नहीं होता, तो हम ये चाह रहे हैं कि सर अतर मेरा ख्याल है ऑफलाइन हो चुकी है। एनी हो हमजा भाई, अगर आपसे हम जनरली पूछें कि जैसे आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दर्द का भी आप अभी जिक्र करेंगे, पहले सर आ गए, सर आप मुझे जी जी क्या क्वेश्चन था? मैं सर सवाल ये था कि अक्सर आप हमें जब हम पढ़ाते थे तब भी आप हमें ये कहते होते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, चलो मुर्गा बन जाओ। तो सर वाकई मर्द को दर्द नहीं होता या ये बस सर जो ना सुनी सुनाई बातें? वो चलो लाइट मूड में आप कर रहे हो, मैं आपको इस सवाल का जवाब ही जी देता हूँ। और अली ने जो एक बात की है मैं उसको थोड़ा सा और एनहांस करना चाहता हूँ कि बाकी ये जो पेन होती है ना, बाज ट्रिगर्स पेन होती हैं, जिसमें मैं इसको इस मिसाल के साथ वाजे करूंगा कि बाज यंगस्टर के जब वालदन की टच होती है तो ये वाली बाज लोगों को ट्रिगर पेन जो है वो बड़ा लाइफ के अंदर एक्सेल करते हैं। तो ये बात सही है कि इसको दोनों एंगल से देना चाहिए। और दूसरा वो जो पोजेसिवनेस वाली इसमें बात की है उसका भी जाहिर एक एंगल होता है कि एक इंसान के पास इख्तियारत है जो वो अख्तियार से छीनता हुआ नजर आए या किसी और के पास जा रहा तो उसकी पड़े, तो ये बहुत ज्यादा उसकी पेन है। बाकी ये जो आप मुर्गे वाली बात रही है, हाँ ये हो सकता है कि मर्द के अंदर टॉलरेंस ज्यादा होती है तो वो उसको क्लियर कर सकता है कि चलो मुर्गा बन जाए, बाकी पेन तो कोई भी चलिए हो सर सकता है। अच्छा सीरियस इसमें इसमें डॉक्टर सीरियस जदून, सिर्फ सिर्फ इसी हाँ बात हाँ के ऊपर, डॉक्टर सर आई थिंक जब हमें ये कहा जाता रहा बचपन में या बड़े कहते थे ना मर्द को दर्द नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये क्योंकि हमारा जो भी है एक पिदराना निजामे हयात है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, तो पिदराना मुआशरे में क्योंकि मर्द ने अपने कंधों पे बोझ उठाना ज्यादा होता है, जो मुआशरती बोझ होता है, मुआश का बोझ होता है, तो आई थिंक उसको मजबूत करने के लिए कि यू शुड नॉट यू नो डिप्रेस योर सेल्फ, इसीलिए मर्द को दर्द नहीं होता क्योंकि तुमने ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी, आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता रहा है। हाँ उस अच्छा कॉन्टेक्स्ट में मैं बात थी। यहाँ पे सर मैं एक चीज शेयर करूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोबेबली मैं कभी सोचता हूँ कि लेट्स से हम जब 20 साल तक थे या 20 साल की एज से नीचे तक थे तो फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स या दर्द की फीलिंग्स बड़ी डिफरेंट होती है, कि हम देखते थे कि या फलां रिलेटिव कोई फोत हो गया या फलां फोत हो गया तो जो एक्सप्रेशंस थे ना वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो हम देखते थे जो बड़े लोग होते थे वो रोते नहीं थे, तो हम कहते थे यार हमें तो बहुत रोना आ रहा है, उनको रोना नहीं आ रहा, शायद उनको पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में जब अब हम देखते हैं कि आपके साथ लाइफ में काफी ऐसे मामलात होते हैं, ये काफी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको ऑफ कोर्स मेंटली भी मेच्योर करती हैं और साथ साथ आप इतने मजबूत हो चुके होते हो कि उन दर्द को या उन तकलीफ को आप बेहतर तौर पे बर्दाश्त करते हो और फिर उनके एक्सप्रेशन को उस तरह शो नहीं करते जिस तरह आप अपनी जो है ना वो लावाली उम्र में करते हैं या आप टीन एज में करते हैं। तो मेरा ख्याल ये भी एक फैक्टर है।
लेकिन सर अगर मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछूं कि हम तमाम लोग जो भी लोग यहाँ से पता मैं सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को पता है कि दर्द के सोर्सेज भी पता है हमें, पहलूज भी पता है, लेकिन अगर हम आज उनके मसीहा बनना चाहें या आज हम उस दर्द का कोई इलाज आपसे जानना चाहें, तो आप जैसे कि आपने पहले अपनी बातों में बताया था कि अपने आप से प्यार करें या बाकी चीजें आपने बताई थी, लेकिन अगर हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि जिस तरह अगर हमारे साथ आज स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है, इनके अपने पेन है, कोई ये कहेगा मेरी शॉर्टेज का दर्द मुझे बहुत ज्यादा है या मैं फेल हो गया मेरे नंबर कम आ गए उस चीज का मुझे बहुत दर्द ज्यादा, तो इनको आप क्या मशवरा देंगे कि ये अपने आप को कैसे जो है ना उस दर्द को निजात दिला सकते हैं या खुश रख सकते हैं? देखिए इनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मतलब हम सब के लिए कि क्राइसिस कम टू सर्व एज ए फ्यूल। सबसे पहली बात तो ये रखें कि जो भी हमारी जिंदगी में क्राइसिस आता है उसको फ्यूल के तौर पे दें। एक चीज अब आ जो गई है, वो गुजर चुकी है हमारे ऊपर, अब हमारे ऊपर वो उसने अपना असर छोड़ दिया हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस असर को लेके बैठ जाए और अपने आने वाली जिंदगी को तबाह कर लें, तो या वो जो क्राइसिस आया है हाउ टू कम आउट ऑफ दैट शेल्टर, चूजा निकलता है उसमें से क्या नाम अंडे में से, तो खोल को तोड़ता है और खोल को तोड़ने के बाद वो अधमुआ होकर गिर पड़ता है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल उसने की होती है कि उसके बाद वो आधा पौना घंटा जो है वो उस तकलीफ के प्रोसेस से बाद वो अपने आप को रेस्ट करता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्राइसिस को एज ए फ्यूल लें कि ये मैंने अब जिंदगी के अंदर मुझे ये चीज़ मिल गई है और मैंने अब इसके साथ मतलब वालदन की डेथ है, अगर वालिद आपके थे उसकी डेथ हो गई, अब घर का खर्चा चलाना। मैंने अपनी लाइफ में देखा चंद जो मेरे दोस्त हैं जिनके वालदन बड़ी यंग एज में जब उनकी डेथ हो गई, तो वो मैंने उनके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी देखी एज कम्पेयर टू मी। और ये आप अपनी लाइफ के अंदर कभी आप ऐसा देखना कि जिस नौजवान के वालदन वालिद की मखास पर बात करता हूँ, अगर वो हो गया उसके अंदर मेच्योरिटी का पहलू जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, वो जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर उसकी फैमिली के अंदर बहनें भी हैं या वो उनमें सबसे बड़ा, तो एक ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर आई थी, जिसकी वजह से मर्द के बारे में हम कहते हैं कि वो दर्द को फील नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बॉडी ऐसी बनाई है, स्केलेटल सिस्टम ऐसा है, उसको पता जो इंट्रिंसिक फैक्टर है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसको उसी ने डील करना। तो मेरी सलाह इस मामले में यही स्टूडेंट को राय होती है कि ये तो वो पेन ही नहीं है जिसको ये पेन समझते हैं कि मतलब लेक्चर शॉर्टेज हो जाना या एग्जाम में फेल हो जाना, क्योंकि वो कहते हैं किसी की कामयाबी को उसकी सक्सेस से ना देखो, उसकी कामयाबी को देखो कितनी बार वो गिरकर दोबारा उठा, असल उसकी कामयाबी है। तो इन चीज़ों को वो इस एंगल से देखेंगे, अगर हमारे ऊपर ये वाला क्राइसिस आया है, ये वाली पेन आई है, फिर वही वाली बात कि अगर आपने अपनी गलती से सीखा नहीं तो वो गलती है, अगर आपने सीख लिया तो वो गलती नहीं। अब उसको एनालाइज करें ना, एनालाइज करें कि मैं अगर लेक्चर शॉर्टेज हुई तो मेरी क्यों हुई, मैं फेल हुआ तो मैं क्यों हुआ। ये एक बेहतरीन मौका आता है इंसान को अपना जज बनने का। आम हालात में हम दूसरों के लिए तो बड़े जजमेंटल होते हैं, लेकिन अपने बारे में हम सोचते हैं कि दूसरों की मिस्टेक्स को हम बड़े आसानी से करते हैं, लेकिन वही मिस्टेक्स जब हमारे ऊपर आती है तो हम उसको जो है वो दूसरे अंदर से लेते हैं। तो मेरा इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो आपके ऊपर पेन आई है, जो आपके ऊपर क्राइसिस आया, उसको एनालाइज करें। सबसे पहली बात कि ये जब हुआ तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो यकीनी बात है कोई ना कोई उसकी आपको रीज़न पता। अगर लेक्चर शॉर्टेज निकली तो उसको भी पता कि मैं दिन को सोया रहता था और मैं टाइम के ऊपर नहीं पहुंचता था। अगर वो फेल हुआ है तो ये भी सोचेगा कि मैंने वैसा नहीं पढ़ा या मैं अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ मैंने वैसे अपना रिलेशन जो है वो नहीं रखा। तो ये उसने एनालाइज कर लिया, क्योंकि आपने दो मिसालें दी, मैं इन दो मिसालों को लेकर चल रहा हूँ। अब जाहिर है वो देर तक सोया है और रात देर तक जागा है, तो ये उसका एनालिसिस है कि वो रात देर तक जाया जिसकी वजह से सुबह उठ नहीं सका। तो अपने आप को उस मामले में ठीक करें, क्योंकि अगर आपने खुद अपने आप को ठीक नहीं करना, नो बडी विल कम टू यू। ये बात याद रख लें कि दुनिया का असूल है कि लोग तो पाँव रखे गुजर जाते हैं, आप ही अपने जो है वो मसीहा हो, आपने खुद अपने आप को ठीक करना। इसी तरह अगर एग्जाम की आपने बात की तो वो भी इसने एनालिसिस कर लिया कि मैं फलां चीज़ में कमज़ोर हुई हूँ, या मैं अपना ऐसा बॉन्ड बनाऊँ मैं उन लड़के लड़कियों के साथ अपना रिलेशन रखूँ जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो उसके वाले से आ जाएगा। तो मेरे इसमें सबसे पहले वाला यही वाला है कि जो आपको क्राइसिस आता है आपको पता होता है वो क्यों आता है। एक तो नेचुरल है, उसकी मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन जो ये आपका सेल्फ इम्पोज होता है वो आप उसको बड़े बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा हमजा भाई, एक जनरली मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बड़े यूथ बैठे हैं सारे, हमारे यंगस्टर्स हमें ज्वाइन किया हुआ है, और पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें जिस वक्त हम यंग थे हम ये चीज़ फील करते थे कि एक जैसे कि आपने साइकोलॉजिकल पेन्स की बात की, तो एक साइकोलॉजिकल पेन इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी होता है
कि जब हम अपने साथ सोसाइटी में लोगों को देखते हैं कि यार कोई बंदा हमसे बेहतर है, या किसी बंदे का एक्सपोजर बेहतर है, या किसी के पास जॉब अच्छी है, या किसी भी लिहाज से वो बेहतर है, तो वो एक 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 जो पेन इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो पेन होता है वो भी बहुत देर तक रहता है और उस चीज से बंदा बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर उस पेन के साथ जो पहली नेगेटिव चीज ये आती है कि हमें ये लगता है कि यार दुनिया में जो चीज भी हासिल की जा सकती है उसके लिए रिलेशंस का होना जरूरी है, उसके पीछे पावे का होना जरूरी है, उसमें मेहनत का अमल दखल नहीं है, जो कि हमें फिर बैकवर्ड नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो आप यंगस्टर्स को क्या बताएंगे आज के यार कि इस पेन से निकलने के लिए या इसको एड्रेस करने के क्या तरीके हो सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल इसके ऊपर आई गेट बैक। इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही नुकसानदेह हैं मुआशरे के लिए। लेकिन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिससे एक सर्टन क्लास ऑफ स्टूडेंट जो है, जो लेस प्रिविलेज्ड है, वो उससे गुजरती है। एक तो ये आपने शुरू में एक बात कही कि सोर्सेज ऑफ पेन क्या है हमें पता है। अब याद रखें कि चीज़ों का इल्म हो जाना नाकाफी होता है। कहते हैं कि असल इल्म अमल के बाद आता है। तो जान लेना जो है दैट्स इनकम्प्लीट थिंग, बल्कि उसको रीइंफोर्स करना, रीथिंक करना और उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव थॉट देना वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। दूसरी बात, आपने बुजुर्गों का जिक्र किया था, वो रोते नहीं थे या उस तरह दर्द को पी जाते थे। उसकी एक वजह, मुख्तलिफ वजूहत होंगी, एक वजह इदराक है हकीकत का, रियलाइजेशन का, एक्सेप्टेंस है, कबूलियत है उस चीज की जो हमारे इख्तियार से बाहर होती है। वो कबूलियत हमें बचपन में नहीं होती, क्योंकि बचपन में हम समझ रहे होते हैं कि वी कैन डू इट, वी कैन स्टॉप इट, वी कैन, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करते हैं कि हमारा इख्तियार का दायरा जो है उसको हम एक्सपेंड तो कर सकते हैं, उसको अनलिमिटेड उस दायरे को नहीं कर सकते। तो वो जब आप उम्र रसीदा होते हैं तो आप इस हकीकत का एहसास कर चुके होते हैं, इसलिए आपको किसी के जाने का दुख इसलिए नहीं होता, क्योंकि आपको ये इल्म हो चुका होता है कि वो मरा नहीं है, उसने इंतकाल किया है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया है। इसीलिए बेहतर लफ्ज जो है, अगर कोई आपका करीब भी चला जाए तो उसका इंतकाल का लफ्ज कहते हैं साहिब शऊर के, वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको ये एहसास होता है कि वो मुंतकिल हो गया है एक जगह से दूसरी जगह। अब आ जाते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे। यस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक अजीब दर्द होता है जिसकी वजह से गुस्सा पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जिससे शायद हजारों दफा डॉक्टर जदून गुजरे हों, हजारों दफा डॉक्टर अतर गुजरे हों। मैं जाती तौर पे इस कॉम्प्लेक्स से गुजरता रहा हूँ, गुजरता हूँ, और फिर उसके साथ लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ और अपने आप को वापस लाता हूँ। सो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिससे मैं भी नहीं बचा हुआ, और उसकी वजह यह है कि आई बिलोंग टू वन ऑफ द लेस प्रिविलेज क्लास, सो आई एम फाइटिंग टू सर्वाइव। नाउ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और वो सबसे पहली चीज तो ये है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा होता है, वो कॉम्पिटिशन की वजह से पैदा होता है। पहली बात तो आपको ये रियलाइज करनी चाहिए कि वो कॉम्पिटिशन से पैदा होता है, कि जब आप अपना मुकाबला किसी और से करते हैं और आप उसके पास जिंदगी की सहूलतें देखते हैं और अपने पास नहीं देखते, तो आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। अब क्या होता है कि सहूलियात की कमी की वजह से आपके जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या आपकी खास अहलियतें होती हैं उनमें कमी होती है, तो आप इस वजह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक जगह जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप अगर एक छोटे शहर से लाहौर पढ़ने के लिए आए हैं, वहाँ पे दो तीन स्टूडेंट अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको अंग्रेजी में के ऊपर उस तरह अबूर हासिल नहीं है, तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। और उसकी वजह आप ये समझते हैं कि आपको वो हालात मुयस्सर नहीं थे जो इन लोगों को थे, इसलिए आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आप क्यों जाते हैं, क्योंकि आप अपना मुकाबला तो अपने अपने हालात का मुकाबला दूसरे के हालात से करते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आप ऐसा करना छोड़ दें। आपका कंट्रोल अपनी पैदाइश पे या दूसरे की पैदाइश पे नहीं था। आपका कंट्रोल इस चीज पे नहीं था कि आप अंग्रेजी बोलने वाले घराने में पैदा हों या पंजाबी बोलने वाले घराने में, लेकिन आपका कंट्रोल इस चीज के ऊपर जरूर है कि आप इजाफी मेहनत करके कोई हुनर सीख लें। तो अगर आप इस सोच के ऊपर वक्त गुजारेंगे कि आपको हालातों वाकयात में दिए, तो वो जो मेहनत वाली जो जो एनर्जी है वो आप इस सोच में जाया कर लेंगे। तो एनर्जी जो है एक रिसोर्स है, और रिसोर्स के बारे में बड़ी सादा सी बात है कि रिसोर्स लिमिटेड होता है भाई, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये ताकत होती है, हिम्मत होती है, ये भी रिसोर्स है। और ये अगर आप कुड़ने सरने पे लगा देंगे,
आप रोने रपे पे रंडी रोने पे लगा देंगे तो आपकी वो एनर्जीज वहां जाया हो जाएंगी और वो एनर्जी जो आपने बढ़ने के लिए लगानी है उनमें कमी आ जाएगी. सो यू गॉट टू थिंक हाउ टू यूटिलाइज योर एनर्जी, क्योंकि कुछ चीजें आपके दायरे अख्तियार से बाहर है. और यहां मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जाता हूँ. पहला नुक्ता, डोंट डू योर कंपेरिजन विद अदर, बी इन कंपेरिजन विद योर सेल्फ. इसके ऊपर मैंने पिछले एक लेक्चर में बात भी की थी कि बी इन कंपेरिजन विद योर सेल्फ का बड़ा सादा मतलब है कि आपका आज का दिन आपके गुजरे हुए दिन से बेहतर हो. दैट्स इट, दैट्स द फुल स्टॉप. अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने से हार रहे हैं और आप अपने अपने कल से हार रहे हैं, अपने अपने गुजरे हुए दिन से हार रहे हैं और अपने आने वाले दिन को हरा रहे हैं. डोंट डू दैट. आपका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो, और ये हजरत अली का कॉल दिए. अच्छा, तो दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपने उन लोगों को, या अगर वो जिंदा हैं आपके इर्द गिर्द तो उनको ढूंढें और उनके साथ बैठें, या अगर वो जिंदा नहीं है और आपसे दूर मुख्तलिफ मुल्कों में है लेकिन आज वो कहीं पहुंचे हुए हैं, उनका एक नाम है, उनको पढ़ें, या आज वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वफात पा चुके हैं, तो उनकी जिंदगी पढ़ें, जिसे हम सवाने हयात कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं. आप बायोग्राफीज पढ़ें उन लोगों की. मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ. जैक मा जो है ये एक बड़ा नाम है. मैं आपको मिसाल इसलिए एक ऐसे बंदे की दे रहा हूँ जो मशहूर है क्योंकि हमें लगता है कि उसने जिंदगी में बड़ा कुछ किया, लेकिन इनफैक्ट आपके इर्द गिर्द आपके घर वालों में कई ऐसे लोग होंगे जो मशहूर नहीं होंगे लेकिन कामयाब जरूर होंगे. जो मशहूर नहीं होंगे लेकिन उन्होंने जिंदगी में अपना आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर किया होगा. आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे. लेकिन मैं आपको एक मिसाल ऐसे बंदे की देता हूँ जो मशहूर भी है. यहाँ पे बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, कामयाबी क्या है, कामयाबी और शोहरत लाजमी नहीं है कि ये इकट्ठे हों. शोहरत कामयाबी का एक अंसर होता है, कामयाबी के और भी अनासर हैं. ये इसकी अज्जाए तरकीबी जो है ना, इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी है. इसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे कि कामयाबी क्या है. शोहरत सिर्फ कामयाबी नहीं होती. बी क्लियर अबाउट इट. आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ जैकमा. जैकमा वो बंदा है जो अली बाबा का जो है मालिक है. अली बाबा एक चाइना की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल स्टोर का मालिक है और उसकी अब तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं. वो बंदा था जो आई थिंक 2007 और 8 में फोर्ब्स मैगजीन के टाइटल पे आया था. फोर्ब्स मैगजीन वो मैगजीन है जिसमें उन लोगों की तस्वीर आती है जो बिलियनर्स बनते हैं, उनकी तस्वीर फोर्ब्स मैगजीन के टाइटल पर आती है. उसकी तस्वीर आई थी 2007-08 में. अब उसके बारे में आपको छोटी सी बात बताऊं. जैक मा चाइना में पैदा हुआ एक छोटे से शहर में, और वहां पे उसके पास जो थे वो नॉर्मल हालात थे. उसके माँ बाप जो थे वो गरीब गुरबा थे. उस वक्त चाइना तरक्की कर रहा था. ये 80 की दिहाई की बात है. चाइना आज की तरह स्ट्रांग नहीं था. उसके इर्द गिर्द शहर में कुछ ऐसी जगह थी जहां पे टूरिस्ट आया करते थे. चाइनीज चाइना की मुल्क को देखने के लिए अमेरिकन और ब्रिटिश टूरिस्ट गोरे आया करते थे. तो उसने क्या किया करना कि उसने गोरों के पास जाया करना और उन्हें कहा करना कि मैं आपको एक टूर करवाता हूँ. व्हेन ही वाज इन स्कूल, ये उसकी कोई छठी सातवीं की बात है, तो वो कहता था मैं आपको शहर दिखाता हूँ. तो उसे वो पूछते थे कितने पैसे चाहिए, तो वो कहता था नो मनी, टेल मी, स्पीक इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो. नो मनी, आई डोंट वांट मनी, मुझे इंग्लिश सिखा दो. उसने उनके साथ काम किया तो 2-3 साल उसने टूरिस्ट गाइडिंग गाइड की फैसिलिटी थी. उसे अंग्रेजी आ गई. उस अंग्रेजी की बुनियाद पे वो अंग्रेजी टीचर लग गया. उसको उसको धक्के मिले. उसको मैकडॉनल्ड्स ने इनकार कर दिया. उसे मुख्तलिफ कंपनी ने जॉब देने से इनकार कर दिया. अल्टीमेटली वो अंग्रेजी की वजह से एक ऐसी चाइनीज कंपनी में उसे मुलाजमत मिल गई जहां अंग्रेजी इंटरप्रेटर की जरूरत थी. यानी उन्हें जरूरत थी कैसे बंदे की जो अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ अंग्रेजी में बात कर सके. एक चाइनीज फर्म को उसने उन्हें उसे इंटरप्रेटर के तौर पे हायर कर लिया. जब इंटरप्रेटर के तौर पे हायर किया तो उनका पैसा, चाइनीज कंपनी का पैसा अमेरिका में फंस गया. तो चाइनीज बंदे ने अमेरिका जाना था तो वो जैक मा को साथ ले गए. जब वो जैक मा को साथ लेके गए क्योंकि वो अंग्रेजी का इंटरप्रेटर था उनका, तो वहां जाके जब उसने इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटीज दी तो ये बात है 95 की. 95 में अमेरिका में इंटरनेट आया था और इंटरनेट आने की वजह से वहां पे कैफेज खुल गए थे जिसे इंटरनेट कैफे कहते हैं. तो जैक मा वहां पे किसी एक इंटरनेट कैफे में घुसा और उसने देखा कि ये क्या चीज है और उसे पता लगा कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप चीजें ढूंढ सकते हैं. करते करते उसने देखा कि उस वक्त इंटरनेट के ऊपर चाइनीज एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था. एंड ई गॉट एन आइडिया और फिर आया और फिर उसकी जिंदगी बदलती गई. फिर एक सफर है पूरा. मैंने स्टार्ट सिर्फ आपको भी मैंने इनिशियल स्टेज बताई है.
वो इस रोने में नहीं था कि वो बुरे हालात में पैदा हुआ, वो इस रोने में नहीं था कि वो एक चाइना के छोटे शहर में पैदा हुआ, वो इस रोने में नहीं था कि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, वो इस रोने में नहीं था कि उसके माँ बाप गरीब थे, वो इस रोने में नहीं था कि उसे अच्छे स्कूल में जाने की, अच्छे कॉलेज में जाने की 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 इजाजत नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसको ये रोना नहीं था कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको ये क्लैरिटी थी कि ये चीजें जो रोना रपा है ना, ये मेरे इख्तियार से बाहर का है, मेरे इख्तियार में एक कोशिश है, एंड दैट व्हाट आई एम गोना डू। यहाँ पे मैं दो ही नुक्तों हैं और उसमें मैं क्लोज करता हूँ कि इख्तियार के रोने की बजाय, सॉरी, बे इख्तियारी के रोने की बजाय इख्तियारी पे अपनी दस्तरस को बढ़ाने की कोशिश करें। आई रिपीट द लाइन, बे इख्तियारी पर रोने की बजाय इख्तियार में जो चीजें हैं उन पे अपनी दस्तरस बढ़ाने की कोशिश करें। मूव इट टू डॉक्टर शहजाद। आई थिंक हम सब बहुत बहुत प्यारा आपने यहाँ पे एक जो है स्टेज बनाया कि जो इख्तियार में चीजें हैं, एक तो उनसे प्यार करना सीखें और उनको अपने जो है ना अपने अपने लिए यूज करना सीखें और उसके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जनरली मैं अपने किसी कॉन्टेक्ट से एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब हम किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे तो वहां पे ये कहा जाता था कि एवरी डे ऑफ योर लाइफ वुड बी मेक हेल एंड यू विल फील द पेन। ठीक है, अब जब मैं इस चीज को देखता हूं तो शायद उस वक्त उस वो चीज बड़ी बुरी लगती थी कि यार ये इतना पेन या इतनी तकलीफ या इतना डिसिप्लिन या इतना हर चीज को इतना मेरे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उस चीज को एवेल्युएशन फेज में लाइफ आई तो एहसास हुआ कि वो जितनी भी चीजें की गई, जैसे कि आपने भी अपनी शुरू की गुफ्तगू में बताया था कि पेन इज अ लर्निंग प्रोसेस, तो वो जो कुछ पेन ऐसे होते हैं जो को आपको सिखाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और माशाल्लाह आप एक उस्ताद भी हैं, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कुछ सिखाने का अमल होता है, ख्वाब वो आपके मदरसे में हो, ख्वाब आपके स्कूल में हो, आपकी यूनिवर्सिटी में हो, आपके कॉलेज में हो, आपके घर में हो, उसमें थोड़ा बहुत सख्ती का पहलू या थोड़े बहुत कंट्रोल का पहलू होता है, तो बहुत से लोग उस चीज को भी पेन फील करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ये जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो चीजें डिसिप्लिन की जाती हैं तो वो उसका पेन होता है? देखिए सर, ये बात आपकी 100% ठीक है। वो कहते हैं ना कि टेक दी पेन ऑफ डिसिप्लिन और टेक दी पेन ऑफ रिग्रेट, मतलब या तो डिसिप्लिन की पेन ले लो तो या भी सारी उम्र जो है वो अब रिग्रेट रहेगी, यार मैंने ये काम नहीं किया। ये जैक मा की जो अली ने बात की है, देखो इसमें इसने वो वाली बात की जिसको मैं बताना चाह रहा था कि यूज योर पेन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ग्रोथ। ये इसकी बड़ी लाइव एग्जाम्पल है कि उसने अपनी उस पेन को अपनी ग्रोथ के तौर पर लिया। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी अपनी पेन से एस्केप नहीं करना चाहिए। जो आपको पेन मिल गई, अगर आप उससे दाएं बाएं हो जाएंगे, या जैसे वो कहते हैं कि कबूतर बिल्ली को देख के आगे बंद करने का, बिल्ली तो वहां से नहीं गायब होगी। तो जो आपने बात की है ना वो बिल्कुल 100% ठीक है। पता नहीं ये हमारा कल्चर है, मैं भी इससे गुजरा हूँ कि एक स्टेज आती है जब वालदैन आपको किसी चीज से मना करते हैं, उस वक्त वालदैन जो है वो अच्छे फील नहीं होते। आपको अपना वो दोस्त अच्छा फील हो रहा था जरा बाहर मोटरसाइकिल लेके खड़ता है और उसने आपको कहीं लेके जाना, ये एक हमारा कल्चर है। उस वक्त हम समझ होते हैं कि यार वालदैन हमें इन चीज से रोक रहे हैं, हमें नहीं रुकना चाहिए। ये तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊँ ना, तो शुरू में भी हमने जब बात की थी कि वालदैन को अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। अगर आप उनको दोस्ती बताएं और बाहर एक दो दफा अपनी निगरानी में बाहर लेके जाएं, किसी जगह दिखा दें, अच्छे बुरे की पहचान करवा दें, तो जब बच्चा या बच्ची आपके साथ अपनी शेयरिंग शुरू कर देता है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैंने अपने बच्चों के अंदर भी देखी थी कि स्कूल से आगे बात शेयर नहीं करते थे। शेयर क्यों नहीं करते थे कि अगर मुझे आज टीचर ने डांटा, फलाने डांटा, तो अम्मी अबू मुझे डांटेगी। तो मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट देता हूँ कि उसने बच्चों के अंदर से ये वाली चीज सबसे पहले दूर की है। मतलब बाज़ गात बच्चों की बड़ी सीवियर गलती भी थी, लेकिन उसने टेक इट इजीली। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपना इनर जो है वो वालदैन के सामने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो वो एक वो बॉन्डिंग हो गई, वो फ्रेंडशिप वाली ना। फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग जब आपकी अपने बच्चों के साथ होती है, फिर जब आप उनको समझाते हैं तो वो ठीक होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये बॉन्डिंग जो है ये हमारी नई जनरेशन में तो शायद बड़ी तेजी आ रही है, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हमें तो मतलब बड़ा अजीब आज अब्बा जी तो आ रहे हैं, अब्बा जी कार होंगे तो किसी की फेंटी पड़नी, और होता भी ऐसे था कि जिस दिन अब्बा जी घर होते थे छुट्टी, आज किसी का ढोल बजता था। तो
तो अब जो है बच्चे वो वाइस वर्सा है कि वालदन को गर्मी, उनको खुश होते हैं कि हमें कहीं लेकर जाएंगे, हमें कुछ करेंगे, तो उस स्टेज के ऊपर वो जो हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं ना वो उनको फील नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता उस वक्त चलता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात, कोई चीज़ तो आपके हाथ से अब निकल चुकी है, अब आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी ये यूथ को ये एडवाइस है इस हवाले से कि देखें, आपके बड़े बहन भाई, आपके वालदेन तमाम इन फेजेस से गुजरे हैं, उन्होंने लाइफ को जो वी एन कह लें या लाइफ को उन्होंने देखा, उन्होंने आपसे एडवांस वो एक्सपीरियंस लिए हैं। अगर हम उनके एक्सपीरियंस को नलीफाई करते हैं या उनको ये कहते हैं कि जी आपको क्या पता जो हमें पता है, तो ये मेरा ख्याल बड़ा ही आप कह लेंगे एरोगेंसी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपको इसको हर लिहाज से जो वो दूर करना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस, अब ये जो अली ने बात की है कि ये हमें ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, ये इसलिए कि उनके अंदर उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ आपने खुद मार खा के या सोसाइटी से सीखनी है आप उनके एक्सपीरियंस से सीख लें। जैसे वो बर्दाश्त की जब हम बात करते हैं तो उसके बाबरी में वो बाबर के दो किस्से बड़े मशहूर उन्होंने बयान किए हैं कि एक दफ़ा उसको अजदही ने पकड़ लिया तो 12 घंटे उसके साथ उसने फाइट की, और एक दफ़ा उसको जिस्म के ऊपर खारिश निकल आई तो उसका जो दुश्मन था गालबन शेबानी खां उसको पता चला तो बाबर ने पूरा लिबास देव तन कर उसके पास बैठा। तो ये क्या मिसालें हैं, ये मिसालें हमें जो है वो मोटिवेट करती है ना कि यार अगर उस बंदे को जिसको खारिश थी वो 1.5-2 घंटा बल्कि सारा दिन के अंदर उसके पास उस लिबास के अंदर बैठा रहा, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो मेरी यूथ को ये एडवाइस है कि आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके टीचर अगर आपको को बात कहते हैं, वो उस वक्त दाग बार गुजरती है, लेकिन बिलीव यू मी कि व्हेन यू पुट योर स्टेप इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो फिर आप वही चीजें जो आप उनको सलाम करते हो, हाँ ये अच्छी बात है। इसलिए इन चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ये ना देखो कि ये इस स्टेज के ऊपर हमें रोक रहे हैं। वो रोकने की जो रीजन होती है वो एक ऐसा अंधा कुआं जो मैं आपको नजर नहीं आ रहा था लेकिन वालदेन को नजर आ रहा होता है कि वो उन्हें पता कि अगर फलां दोस्त के साथ ये रात को देर से घर में आता है तो वो दोस्त अगर सिगरेट पीता है समथिंग या इस किस्म का कोई हल्का फुल्का नशा करता है तो एक दिन आप डेफिनेटली उस वाले उसके एम्बिट में आ जाओगे। तो वाई नॉट आप इस वक्त सोचो, और ये रियलाइज मैं फिर वही कहूँगा अनफॉर्चुनेटली उस वक्त होता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है या आप उस सोसाइटी के अंदर कदम रख सकते हो। इसलिए ये बड़ी ग्रेट हेल्प है वालदेन की, हमारे बड़ों की, वो अगर हम इस स्टेज के ऊपर नसीहत करते हैं तो हमें उनकी नसीहत के ऊपर अमल करना चाहिए। यकीनन ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फलाह का बाइस बनेगा। यहाँ से तो बड़ी अच्छी एक बात साबित हुई कि ख्वाह वो टीचर हो ख्वाह वो वालदेन हो, हमें एक फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग अपने दिल की बात अब आपसे शेयर कर सकें और अपना आप आपको बता सकें, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ताकि जो उस वक्त की आपकी नसीहतें वो उनके लिए पेन का बायस ना बने। मैं हमजा भाई आपकी तरफ आऊँगा। जनरली एक चीज होती है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में निकलते हैं, जब आते हैं या आप किसी ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि देयर इज वन फेज ऑफ लाइफ व्हिच इज कॉल्ड लैग, कि आप लर्न करते हैं, अर्न करते हैं और गिव बैक करते हैं। तो ये बड़ा पेन होता है कि यार अब मैं अगर कुछ कर चुका हूं तो मैं कुछ वापस कैसे अपने अपने प्रोफेशन को या अपने इंस्टीट्यूट को या अपनी कंट्री को दूं। इस तरह के पेन के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इस तरह का जो दर्द और सोज होता है, मतलब मैं इसे दर्द नहीं, इसे सोज कहूंगा, दिल का सोज, और इससे एक गुदाज पैदा होता है, एक नरमी पैदा होती है शख्सियत के अंदर। जब आप दूसरों की तकलीफ और दर्द को महसूस करके उनको खत्म करने की दुआ करें या दवा करें, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में एक गुदाज पैदा हो गया, एक नरमी पैदा हो गई है। सो आपने जिस फॉर्मूले का बात की, इसको 2G फॉर्मूला भी कई लोग कहते हैं, once you get in life and then you give back to life. Now the strange thing is, jo ki afsosnak bhi hai, that we get from the entire environment but we give back to just our close ones. Hum puri environment ko fayda nahi dete, matlab ye badi gaur talab baat hai. Aap seekhte hain, aap muashre se seekhte hain, apne taleemi idare ke asatza se, wahan ke mahol se seekhte hain, aap naukri karte hain to apne colleagues se seekhte hain, aap kuch bhi aur karte hain to puri environment se aap cheeze hasil kar rahe hote hain, chahe wo paise ki surat mein ho, ilm ki surat mein ho, shohrat ki surat mein ho. Lekin jab aap return karne pe aate hain to majority jo hai wo return apne zaati bank ko karti hai, wo apne bacche ke bank ko karti hai. So ye jo 2G formula hai, if you get from the environment, give back to the environment. And I am not talking about darakht pode, I am talking all environment, which includes other human beings, which includes other mahol, which includes animals, pets, everything.
All right. So yeah, this is very important. इस दर्द को सोज कहेंगे. All right. और गुदाज वो एक शेर है, बड़ा ही खूबसूरत. और मुझे लगता है कि ये हर सोज वाले दिल के ऊपर बैठता है और बैठना चाहिए. वो कहता है कि शायर इलामा इकबाल का शेर है, वो आंख की मिसाल देते हैं. वो कहते हैं कि मुब्तलाए दर्द कोई उज्व हो रोती है आंख. मुब्तलाए दर्द कोई उज्व हो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द पूरे जिस्म की होती है आंख. सो ये जो इस कदर हमदर्दी जो है ना दूसरों के साथ, ये सोर्स जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट. और ये तभी आता है जब आप 2G फॉर्मूले की हकीकत को समझें. वंस एनवायरमेंट गिव्स यू, यू हैव टू गिव बैक टू एनवायरमेंट, नॉट ओनली योर नस्ल. यहाँ पे इसी बात को हम मकसद से जोड़ लेते हैं. देखिए ये जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, पर जिसे हम इज़्तिराब कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारी छोटी सी जिंदगी में आरजुओं, तमन्नाओं, ख्वाहिशों, ख्वाबों की तादाद बहुत ज्यादा होती है. और वो तमाम आरजुएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं जो हैं, वो हमारे इरादे जो हैं, वो उस छोटी सी जिंदगी में पूरे हो नहीं रहे होते उस तरह जिस तरह हम देख रहे होते हैं. सो हमें परेशानी होती है. तो इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि बहुत ज्यादा मकासद का होना मकसदियत के ना होने पर दलील है. अब ये जुमला जरा सा गाढ़ा है. के बहुत से मकासद का होना मकसदियत के ना होने पर दलील है का मतलब ये है कि जब आप बहुत छोटी 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 चीजों में बटे रहेंगे तो आप बेसिकली किसी एक बड़े ख्वाब और तमन्ना की तरफ नहीं जा रहे. आप छोटी छोटी चीजों में बड़े में. सो समटाइम व्हाट हैपेंस इज वी हैव टू रीकैलिब्रेट आवरसेल्फ. स्टूडेंट सुन रहे हैं तो मैं लव जब बोलता हूँ तो मैं उसकी वजाहत करता हूँ. रीकैलिब्रेट करना ये होता है कि आप अगर एक वेट मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं और वेट मशीन के ऊपर ऑलरेडी 10 हुआ हुआ है, तो आपका अगर 50 किलो वजन होगा तो वो 60 किलो दिखाएगी. तो काफी खवातीन तो वैसे भी होश हो जाएंगी इस बात से. और इसका मतलब क्या है कि जब आपने वेट मशीन पे खड़े होना है तो आपने उसकी कैलिब्रेशन चेक करनी है, क्या उसका सुई जो है वो जीरो पॉइंट पे है या नहीं है. यू गॉट टू रिकैलिब्रेट योर सेल्फ एंड द मकसद ऑफ योर लाइफ. अगर आपके बहुत से मकासद है तो समझें कि वो आपके सारे मकासद नहीं है, वो मकसद के हसूल के अंदर छोटे 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 राह गुजरे हैं, कुछ सराए हैं, कुछ जगह हैं, एंड दैट्स इट. बड़ा मकसद ढूंढें. और बड़ा मकसद क्या है वो मैंने तो जो अब तक समझा है वो 2G है. इफ यू गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, गिव बैक टू द एनवायरनमेंट एंड टेक दैट पेन, टेक दैट पेन. जी डॉक्टर, बड़ी खूबसूरत बात की कि जी के व्हाटएवर वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इट हैज टू गो बैक टू एनवायरनमेंट. और प्रोबेबली जितने भी हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं या जो लोग हमें बाद में सुनेंगे, प्रोबेबली यकीन करें कि इस चीज में जितनी सेटिस्फेक्शन है या जितना ये पेन बढ़ेगा उसमें उतना ही जो है ना वो क्या कहते हैं कि मजा है. ये वाइब दर्द है जिसके अंदर बहुत मजा आएगा कि जितना आप उसको फील करेंगे और वापस पे बैक करेंगे तो उतना ही आपको इसमें एंजॉयमेंट और उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी. अच्छा सर, मैं आज का थोड़ा सा जो है ना फॉर्मेट चेंज करूंगा क्योंकि आज हमारे पास बहुत से यंगस्टर्स हैं. तो मैं सर अतर को और सर हमजा को ये कहूंगा कि जस्ट पिक 5 पीपल फ्रॉम दी सेशन, दो जो कि जूम पे बैठे हैं, सबके नाम आपको नजर आ रहे होंगे तो आप उनसे सवाल पूछें. एक चीज फाइनल कमेंट मेरी तरफ से, फिर मैं आई विल हैंड ओवर टू यू कि आपने इसको क्लोज करना है कि एक जो पेन होता है, मैं एक मूवी देख रहा था और एक किताब भी बहुत अच्छी किताब है कि कैप्टन ऑफ अ शिप. ठीक है, आप अक्सर देखें जब शिप डूब रहा होता है तो एक बंदा डेक पे खड़ा होकर इस बात पे परेशान होता है कि यार मैं कैसे सबको बचा सकता हूँ, मैं कैसे जो है ना इन तमाम, उसको मौका भी दिया जाता है कि तुम अपनी लाइफ को स्केप कर लो या तुम सेफ पाथ लेके निकल जाओ, लेकिन वो नहीं जाता. अक्सर जो भी लोग जिस किसी भी इदारे में या किसी भी उसमें, मैं अगर उसको उसको जब लिंक करता हूँ तो ये चीज बड़ी वाजे है कि जो लोग लीड रोल पे होते हैं और अगर वो जेन्युइन लोग हैं तो वो उनका पेन अपने बंदों के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा होता है. क्या सर आप समझते हैं कि ये वाकई ये चीज हमारे मुआशरे में इस वक्त है? देखिए ये जो आपने बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये ट्रू लीडरशिप जहाँ की हम बात करते हैं उसकी क्वालिटी में आता है. मतलब ये हाइट है कि आप अपने आप को पीछे करके अपने, जैसे मरहला आप ये टाइटैनिक में से मिसाल दे रहे हैं, उसमें
ऐसा सीन हमें नजर आता है कि उसको एस्केप का रास्ता बताया जाता है, लेकिन वो यही कहता है कि मेरे लोगों की बात। देखो शहजाद, ये थियोरेटिकल तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब प्रैक्टिकली हमारे सामने आता है तो शायद हमारे भी हाथ पांव फूल जाते हो, हम अपने आप को प्रेफरेंस देते हो कि नहीं यार हम देखेंगे, बाद में देखी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट लीडरशिप की पहचान होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी मेरा ख्याल ऐसा ट्रेंड नहीं है। हमने भी अभी तक वैसे फिल्मों में ही देखा, लेकिन और लाइफ में ऐसे होंगे, अगर मैं कायदे आजम की बात किया तो उन्होंने देखा अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को, इस हवाले से उन्होंने, या नेल्सन मंडेला का भी मैंने देखा, उसने भी देखे बीवी उसकी उसको छोड़ के चली गई, उसके दूसरी बीवी वो भी उसको छोड़ के चली गई, मतलब इख्तलावात की वजह से। तो ये लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि पहले वो अपनी कौम को सामने रखता है, या पहले अपने मासेस को सामने रखता है, उसके बाद वो अपनी बात करता है। ओके जी, हमजा सर आपकी तरफ, वी हैव द पीपल ऑन द स्क्रीन जो कि हमें जिन्होंने ज्वाइन करना है, तो वी कैन आस्क सिक्स क्वेश्चन, थ्री फ्रॉम ईच साइड आप पूछ सकते हैं, ताकि लेट्स इन्वॉल्व कैन दीस वी कैन वी जस्ट डू इट द अदर वे दैट वी नेम सम पर्सन और वो सवाल पूछें और फिर डॉक्टर आतर या मैं उसका जवाब दें, कैन वी मेक इट लाइक दैट? एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये होना है कि वी नीड टू ओपन द माइक्स एंड देन दिस विल मेक अ डिस्टॉर्शन, दिस इज व्हाट अच्छा आई फील। उबैद ठीक क्या हो हम ये गया, कर सकते हैं ऐसा? वन बाय वन वैसे माइक खोले जा सकते हैं अगर हमारे साथ यस में। सर, हम कह सकते हैं जिन लोगों से हमने सवाल करना उनका नाम है, वो हैंड रेज करेंगे, उनका माइक खोल देंगे। आप जो काइंडली जो लोग इस वक्त मौजूद हैं इस डिस्कशन में निशिस्त में, वो वहां पे एक रेज योर हैंड का बटन है उसको प्रेस करें ताकि वी कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, नहीं, अदरवाइज मेरे सामने अभी आयशा अशरफ का नाम आ रहा है, इफ शी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। दैट्स व्हाट वी से, यू पिक अप द नेम, वी विल ऑन आयशा माइक ओपन अशरफ कर का देंगे। नाम मेरे सामने आ रहा है, ये अगर पूछना चाहें तो उबैद आयशा अशरफ का माइक खोल दो, ये क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये पूछ लें। ओपन कर दिया सर। नो सर, आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा, मोहम्मद जुनेद साहब सामने मेरे एग्री कर गए, जुनेद साहब, मोहम्मद जुनेद साहब। उबैद जुनेद का, मोहम्मद जुनेद का माइक ओपन करिएगा। जी सर, जुनैद साहब आपको माइक ओपन है। रहते के लाइफ के बारे में कि पेन आता आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलिए जनाब। सलाम अलैकुम। जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ में एक पेन आता है, ठीक है, तो इसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो एक ग्रेजुएशन से पहले आता है कि एफएससी क्लियर करेगा, एमकैट वगैरह देगा, फिर एडमिशन होगा, उसकी लाइफ में एक पूरे पेन्स ही आती हैं कि बाद में उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी क्या सिचुएशन होगी, तो उसको एक पेन से गुजरना पड़ता है, फिर घर से उसको एक प्रेशर भी आता है कि यार अब इतना अरसा हमने आप पे फी वगैरह पे की, सब कुछ किया है, अब रिटर्न बैक कैसे करोगे, उसको बहुत एक लाइफ एक टाइम चाहिए होता है, तो हाउ कैन वी डील विद इट? जी डॉक्टर सर। अच्छा देखो बेटे, इसमें ये जो आप पेन कह रहे हो, ये पेन नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है ना, कि आपके अम्मी अब्बू ने आपको दाखला दिया, आपके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब को तलाश करना शुरू की थी। अच्छा, इसमें बड़े स्टूडेंट्स आके बात करते हैं कि जी हमें जॉब नहीं मिलती ना, तो मैं उनको एक बड़ा फिक्रा है उनको मैं कहता हूँ, आप भी आपके तो सदर में सबको कहता हूँ कि देखो कि अपने आप को महंगा करो, ये मैं फिक्र कई दफ़ा बोल चुका हूँ, अपने आप को महंगा करने से ये मुराद है, कहते हैं कि दो चीज़ें हैं आपको लाइफ के अंदर तरक्की देने के लिए, एक आपकी अपने सब्जेक्ट के अंदर कमांड और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जैसे अली ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, वो जैक मा की, तो कम्युनिकेशन थी। जब आप इन दो चीज़ें आपके पास आती हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप यू, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी वो हमें 25,000 की जॉब देते हैं, यार तुमने अपनी वैल्यू 25,000 की लगवाई है, तुम कंपनी देखो, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, 80% स्टूडेंट उस कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाते, अगर आप उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाओ, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का पता हो, आपको उनकी मिशन स्टेटमेंट का भी पता हो, आप उनको ये भी पता हो कि कितने वॉल्यूम का बिजनेस कर रहे हैं, तो यकीन जाने वो आपका साथ साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे और उनकी आंखें आपको बता रही होंगी कि दे हैव एक्सेप्टेड यू। ये वो वाली चीजें हैं जो कि हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट जो है उसको इग्नोर करते हैं,
तो ये प्रोसेस है अपने आप को इन दो चीजों में लेकर आगे लेके जाओ, एक मैंने कम्युनिकेशन भी कह दी और एक आपका अपना सब्जेक्ट जिस फील्ड में आप हो, तो इंशाल्लाह तला कोई ऐसा मसला नहीं। और ये पेन नहीं है जिनको आप कह रहे हो, ये तो मामूली सी चीजें आप जिनके आप थ्रू जा रहे हैं और ये आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस है। थैंक यू जुनेद, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा। नंबर वन, जो स्टूडेंट्स इस तरह सोचते हैं जितना जुनेद ने सवाल उठाया, तो उन्हें सबसे पहले तो ये रियलाइज करना चाहिए कि आप वाहिद इंसान नहीं है जो इस तरह इस प्रोसेस से और इस तकलीफ से या इस उलझन से गुजर रहे हैं। आपसे पहले भी कई गुजरे हैं और आपके आने आपके बाद भी कई गुजरेंगे, क्योंकि मुआशरे में जो मुआशी तकसीम है वो इसी तरह की है। हमें इस हकीकत को रियलाइज करना चाहिए। नंबर टू, जब आपको ये अंदाजा है कि आप पहले फर्द नहीं है, तो आपने ये देखना है कि आप जैसे जो अफराद थे, जो आप जैसे हालात से गुजरे, उनमें वो लोग जो जो जिंदगी में डेवलप हो गए, उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने क्या मेहनत की, क्या कोशिश की, और उस फॉर्मूले को अपनाएं और उस फॉर्मूले को छोड़ दें जिसमें आप जैसे हालात वाले लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सके। जी, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। वी रिक्वेस्ट, कोई है, फैजान है जी, फैजान। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सर पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबने हमें मौका दिया है सेशन ज्वाइन करने का। तो बाकी सर, सर अली हमजा ने बात की थी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, तो उसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है वो ये है कि अगर इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ना अपनी यूनिक लाइयतें दी हैं हर इंसान को, मतलब हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर इंसान ये समझ लेना कि लाइफ में जो उसका कंपैरिजन है या मुकाबला उसका अपने साथ है, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर तौर पे जो है ना कोप अप कर सकता है जो मुश्किलात आती हैं लाइफ में। अगर वो समझ ले कि उसका मुकाबला उसके अपने साथ ही है, कि वो कल का दिन या पहले से कैसे बेहतर बना सकता है। जैसे मैं अब अगर हम स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं देखता हूँ कि यार कोई स्टूडेंट है वो उसका GPA बहुत अच्छा आ रहा है सपोज जो हमारी स्टेज पर है, यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं ये ले लूँ कि यार मैं भी तो ले सकता हूँ। मेरे ख्याल ये सोच डेवलप करने की जरूरत है बीइंग अ स्टूडेंट सब में कि यार अगर वो कर सकते तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था जो जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उन सबके लिए। और दूसरा ये कि जो पेन की बात है जो आप सबने की है, पेन जो है मेरे ख्याल में हर स्टेज जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इंसान की लाइफ में, पेन का लेवल हर स्टेज में डिफरेंट होता है। अब हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में हमारा दर्द ये है कि वो सर शहजाद ने बात की शॉर्टेज आ गई, फेल हो गए एंड ऑल दैट। 10 साल बाद हम कैरियर कोई किसी कैरियर कैरियर बना रहा होगा तो तब पेन होगी कि यार कैरियर नहीं बन रहा या ये मुश्किल आता है। तो जब हम ये वाला 10 साल पीछे देखेंगे तो ये चीज़ हमें बहुत छोटी लगेगी कि यार तब मैं फेल हुआ था। तो डे बाई डे इट्स इंक्रीजिंग। तो बस मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था। बाकी थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑलराइट, थैंक यू फैजान। तहरीन सज्जाद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना तारुफ करवाइए और फिर सवाल कीजिए। आई थिंक इफ्तार की तैयारी भी हो रही है। खुला हुआ है। ओके, तहरीन की हमें आवाज़ नहीं आ रही, तो हम वी कैन रिक्वेस्ट मकसूद अहमद हैं कोई जी। मकसूद, अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग बहुत अच्छा इस क्राइसिस के अंदर काम कर रहे हैं। माय नेम इज डॉक्टर मकसूद, आई एम वेटरनरी ऑफिसर इन ननकाना साहब। सर इसमें एक मैं ये ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ लोनली एक्सपीरियंस होता है, और मैंने थोड़ा सा कमेंट में भी एक कभी चैट में एक चीज शेयर की, मैं टाइप कर रहा था कि ये जितने भी अनप्रिविलेज लोग हैं वो कांस्टेंट उस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, और इतनी फीलिंग से गुजर रहे होते हैं कि उनको फिर इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि वो पेन के अंदर हैं। और जब किसी प्रिविलेज बंदे का सामना या क्रॉस होता है तो वो फिर महसूस करता है कि आप ये कब से इस स्टेज के अंदर है, तो वो कहता है कि मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा, हम तो इस तरह चल रहे हैं। तो मसला ये कि उस लॉन्ली एक्सपीरियंस के अंदर जब तक उसको उस चीज का एहसास ही खत्म हो जाता है कि मैं पेन से गुजर रहा हूँ, और उसके अंदर वो होप या आगे बढ़ने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है बार दफा। तो ये जो हम प्रिविलेज लोग कर रहे होते हैं कि एज ए पेन लीवर के तौर पे उनकी सिर्फ दाद रसी तक जब उनको एहसास दिलाते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि जब हम उसको एहसास दिलाते हैं
तो हम खुद जब उसको एक सुपरफिशियल तो गुजर जाते हैं उस फीलिंग के ऊपर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उनकी पेन रिलीविंग के लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि वो अगर हमें एहसास हो गया कि वो जिस स्टेज पे हैं और वो आगे नहीं उस पेन की वजह से बढ़ रहे, तो हमें पेन रिलीविंग के लिए उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा उनको पुश करना होगा कि वो आगे नॉर्मल जिंदगी के अंदर आए। थैंक यू सर। जी डॉक्टर अतर, आपको कमेंट करना चाहेंगे? ओके, मेरे ख्याल से सवाल तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सजेस्ट किए, तो डेफिनेटली जब हमने 2G की बात की तो वो यही है कि हम जो तकलीफ से गुजर रहे हैं और हम उनके लिए कोई सबब बन सकते हैं राहत का, सुकून का, या उस दर्द के मदावे का, तो वो हमें सबब अगर हम बन रहे हैं तो उसमें हमें अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए हर हैसियत से। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं मायरा गुल हैं। जी मायरा, आप कोई सवाल, अपना तारुफ और सवाल कीजिए बात। जी मायरा गुल, मायरा आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ऑलराइट, मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं। लेट्स आस्क अब्दुल्ला अमीन, इनसे हो गई बात। अब्दुल्ला अमीन जी, अब्दुल्ला अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये दर्द का जो होता है, मतलब आपको कोई दर्द मिलता है तो इस तरह होता है कि दर्द मिलता है कई लोगों को, तो वो कई तो लोग होते हैं वो पॉजिटिव पीटीवी में उसको यूज कर लेते हैं, कोई लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। सर कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं और कौन से होते हैं जो नेगेटिविटी के लिए, मतलब किसी का कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है तो वो मतलब देखा है मैंने, मतलब स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया तो मतलब दाढ़ी बढ़ा ली है तो स्मोकिंग वगैरह करने शुरू हो गए हैं, इस तरह सर कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, कौन से होते हैं नेगेटिविटी? थैंक यू सर। जी डॉक्टर जी। बेटे शुरू में हमने बात की थी कि सबसे पहले जब खुदा ना खासा ऐसी किसी फैमिली के अंदर ट्रेजेडी होती है जिसको हम इमोशनल पेन कहते हैं कि किसी के वालिदैन की डेथ हो गई, वो आपने सही कहा कि कई लोग जो स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, कई बैड हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें दो तीन बातें अपने आप को समझानी सबसे ज़रूरी हैं कि सबसे पहली बात ये कि लव योर सेल्फ। आपको पता है कि स्मोकिंग जो है वो हर एक को पता है, जो पीते हैं उनको भी पता है, जो नहीं पीते उनको भी पता है, एवरीबॉडी हर एक को पता है शराब अच्छी चीज़ नहीं है, हीरोइन पीना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो भी पीते हैं, जिनको नहीं पता वो तो खैर नहीं पीते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लव योर सेल्फ। और दूसरी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप उन लोगों के साथ मिलें जो आपको अच्छा फील करवाएं। अगर आपने लोनलीनेस इस फैक्टर के अंदर आ गया तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने डेथ की मिसाल दी है, अब डेथ जा रहे खानदान में होती है, उस खानदान के अंदर बहन भाई आपके चचा मामू पप्पू वगैरह होंगे, दीज आर योर क्लोज रिलेटिव, तो ट्राई टू मेक योर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग विद देम। आपके वो जो जाने वाले हैं, जो आपके अजीज जा चुके हैं, उनके बारे में अच्छी बातें याद उनको करें, जो वो खानदान को नसीहत करते थे उस नसीहत को रिवाइव करने की कोशिश करें कि अब्बा जान ये कहते थे, अम्मी जान ये कहती थी, या चाचा जान ये कहते थे, तो व्हाट शुड वी डू इन दैट रिगार्ड। तो ये जो वो वाली चीजें हैं जो कि आपको बुराई की तरफ लेकर नहीं जाएंगी, एंड यू विल कम एज ए नॉर्मल पर्सन इन योर लाइफ। जी डॉक्टर जैतून, आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे अब्दुल्ला की बात? आई थिंक सर ने बड़ा अच्छा इस पे एलिब्रेशन दिया है कि प्रॉबेबली सबसे पहले तो हमें अपने साथ मोहब्बत करनी चाहिए और अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और दूसरा उन लोगों के साथ अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो कि हमें इन तमाम नेगेटिविटीज से बाहर ला सकते हैं। तो आई डू एग्री विद सर अदर। जी बिल्कुल, आप दोनों ने बिल्कुल सही फरमाया अब्दुल्ला, ऐसा ही है, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। वो इकबाल का एक शेर था ना, आपने सुना होगा कि फैजान नज़्म था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। सो ये जो फैजान नज़्म क्या है, ये नज़र खास है, माँ की दुआ है, किसी बुजुर्ग की आपके लिए खास शफकत है। और मकतब की करामत क्या है कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसे हल्का अहबाब है, आपके पास ऐसी इन्वायरमेंट है, आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो, या आपके पास ऐसी किताबें हैं
या आपके पास ऐसा तालीमी निज़ाम है जो आपको शेप अप करता है, आपके आपके ख्याल को शेप अप करता है। तो जो लोग सूटे पे लग जाते हैं और वो अपनी जिंदगियां गारत कर लेते हैं, तो यकीनन जिस तरह डॉक्टर आतर और डॉक्टर जतून ने कहा कि वो पेन प्रोन हो जाते हैं, यानी कि दे गेट इनटू पेन एंड दे जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और उनको रियलाइज करवाने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा फर्द मिले तो आप उसको कंपनी दें, उसको हेल्प आउट करें। और अगर आप ऐसे फर्द बन रहे हो तो आप ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपको लगे कि जो जिंदगी का रोशन पहलू आपको दिखा सकता है, तारीख पहलू से निकाल सकता है, जो जिंदगी को एक खुशबू की सूरत में आपके सामने पेश कर सकता है, जो जिंदगी को रंग की सूरत में आपके सामने पेश कर सकता है, उस कंपनी को ढूंढना, ऐसी किताब को ढूंढना। कंपनी से मुराद दोस्त भी हो सकता है, किताब भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है। तो ऐसे फर्द को तलाश करना बड़ा जरूरी है। और अगर आप उन अफराद में से एक हैं जो जो रंग जो जिंदगी में पुरउम्मीद हैं, तो आप ना उम्मीद होने वालों का का सहारा बने। हमजा किंजा ने हैंड किंजा ने हैंड रेज किया हुआ है यहाँ पे। किंजा रानी, इनका माइक खोलें। जी किंजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मेरा नाम किंजा है और मैं डीवीएम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पेन, तो पेन मैं एज अ स्ट्रेस फैक्टर लेती हूँ कि जो मुझे स्ट्रेस फील होता है। सो सर, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस फैक्टर व्हाइल फोकसिंग ऑन योर गोल, एंड हाउ टू इग्नोर डिस्करेजिंग पीपल एंड पीपल हु डू योर लेग पुलिंग ऑन दिस वे। तो मेरे लिहाज से पेन ये है कि व्हाई डू पीपल डू लेग पुलिंग, जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो तो क्यों पीपल आपकी लेग पुलिंग करते हैं, और इस स्ट्रेस फैक्टर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जी डॉक्टर, देखो बेटे, इसमें ये है कि अल्लाह ताला ने जब कायनात पैदा की तो सारे लोग अच्छे थे, अच्छे काम करते हैं, उसके साथ शैतान पैदा कर दिया गया। तो सेम इज द केस के दुनिया में जब आप अच्छा काम करते हैं तो यकीनी बात है इस चीज़ को आप जहन में बिठा लेंगे, शैतान तुम्हारे साथ है। वो शैतान अब नेगेटिव लोगों के फॉर्म में भी हो सकता है, वो लेग पुलिंग की फॉर्म में भी लोग हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर जो है वो छोटी मंजिल के रास्ते में आने वाली रुकावटों को नहीं देखता। या वो आपने बड़ा मशहूर भी है वो पंजाबी का सुना कि कारवां चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इन लोगों को ये दो बातें जहन में रखें, हर बंदा जो है अपना अपनी वो वाइब्स छोड़ता है या हर बंदे का एक ओरा होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में हैं, बिसाइड्स के यू आर डूइंग वेल, वो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं या आपको डिप्रेशन कर रहे हैं, और अगर आप उसमें आ गए तो ये तो उनकी कामयाबी हो गई। आपने इसको अदर वे राउंड लेना कि अगर मैंने उनके कहने पे वो अच्छा काम छोड़ दिया तो दे आर सक्सेसफुल। तो बेहतर ये है कि कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए अपने अच्छे कामों का और ढंडोरा पीटो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने चार दोस्तों को बताया हुआ कि मैं ये वाला काम कर रही हूँ, उस काम को 20 लोगों तक पहुँचाओ, ये उसका सबसे बड़ा एंटीडोट है आपके अच्छे काम का। वो कहते हैं ना हर बंदे का एक ओरा होता है, जैसे मैं कई दफा मिसाल दूँ मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल भी होता है साउथ पोल भी होता है, एक खास हद तक वो उसके लोहे के वो जो है जरात उनको अपने अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं। आप वो जो उसका ओरा है उसके साथ आप अच्छे लोगों के साथ अपने आप को डील करें। कहते हैं निकम्मे लोगों का तो काम ही होता, क्योंकि उन्हें काम तो करना नहीं होता। निकम्मे या आहमक लोग होते ही वो हैं जो कि दूसरों की गलतियां निकालते हैं। तो ये दो तीन फिक्र आप अपने पास देख के रख छोड़ें, और अपने अच्छे कामों के जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनका आप हल्का अहबाब बढ़ाएं, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे दैट विल गिव यू ए ग्रेट इनकरेजमेंट एंड यू विल कंटिन्यू टू डू योर वॉइस वर्क। जी डॉक्टर जदून, आप कुछ कहेंगे? आई थिंक ये बड़ी कॉमन सी बात है, जैसे सर ने बताया ये कि नेचुरल फिनोमेना है, और मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि जितने लोग आपके बारे में बात करेंगे या जितनी ज्यादा बातें वो आपको डाउन लेट करने के लिए करेंगे, तो आप एक चीज का तो यकीन रख लें कि आप उनसे बेहतर हैं, इसीलिए वो आपको आपका तस्करा करते हैं या आपका जिक्र करते हैं। दूसरी बात जो मैंने लाइफ में देखी वो थी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में कहा जाता है कि मेक योर कॉम्पिटिटर्स इररेलेवेंट। तो जो लोग आपके बारे में गलत बात करते हैं या जो आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं या आपको पुल डाउन करते हैं, उन लोगों को इररेलेवेंट कर दो, क्योंकि उनकी बात को सुना अनसुना कर दें। क्योंकि जब मेरी क्लैरिटी बेहतर होगी तो मेरी अलाइनमेंट्स खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी, जब मेरा थॉट प्रोसेस बेहतर होएगा तो मेरा पाथ अलग हो जाएगा उन लोगों से
जिनका काम ही सिर्फ बातें करना है, क्योंकि सबसे आसान काम क्या है, किसी पे क्रिटिसिज्म करना, लेकिन वाइस वर्सा देखा जाए सबसे मुश्किल काम है क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि अगर पॉजिटिव एंड से देखा जाए तो किसी की इसलाह करने के लिए अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो वो बहुत बड़ी एक नेमत है, और लाइक वाइज अगर किसी को लेट डाउन करने के लिए कोई नेगेटिव बात बोली जाए तो उससे बड़ी खबासत कोई नहीं है, तो बेहतर है कि उस तरह के लोगों को इररिलेवेंट कर दे। जी हमजा जी बिल्कुल, आप दोनों ने बिल्कुल बजा फरमाया कि ऐसा ही है कि आप अगर किसी की लेग पुलिंग के ऊपर डिप्रेस हो जाते हैं तो उसने अपना मकसद हासिल कर दिया है और आपने उसको शे दे दी है, तो आपने उसे शे नहीं देनी, आपने इग्नोर करना है। लेकिन इसमें एक बड़ा एलिमेंट है कि अगर वो फर्द जो आपके लेग पुलिंग कर रहा है वो आपकी जिंदगी का कोई पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है, तो उसमें दो जाविये हैं। नंबर वन, अगर वो इम्पोर्टेंट फर्द है, आप समझते हैं कि नहीं वो आपके ऑफिस के अंदर, घर के अंदर या मुआशरे में एक इम्पोर्टेंट फर्द है आपके लिए और वो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, आपको अंदाजा हो रहा है, तो आपने ये देखने की कोशिश करनी है क्या उसको ये एहसास तो नहीं है कि वो आपकी लेग पुलिंग इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को कहीं लूज कर रहा है और उसे ये डर है और इस खौफ की वजह से आपकी लेग पुलिंग कर रहा है। यानी जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है क्या वो आपसे किसी खौफ में मुबतला तो नहीं है? अगर है तो कोशिश करके उसके खौफ खत्म कीजिए और ताल्लुक को बेहतर कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ऐसा कुछ नहीं है या वो खौफ उसे कोई नहीं है और मैंने बड़ी कोशिश करके देख ली और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा हाल बड़ा वाज़े है कि वो आपके इख्तियार से बाहर हो चुका है। अब उसको आप यहाँ से सुने, यहाँ प्रोसेस ना करें और यहाँ से निकाल दें। जब यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे तो फिर तो यहाँ पे स्ट्रेस होगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी ये मायदा से पूछ लें। मायदा एक खातून है जी, ये 2019 की जो ग्रेजुएट है, मायदा ताहिर। वेलकम किंजा जी। मायदा सर नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ऑलराइट। असल में अपना आप होता है डॉक्टर, डॉक्टर चदून सवाल ना होना भी दर्द से बचने का रास्ता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल दर्द का सबब हो सकता है, क्योंकि सवाल जो है वो आगाही मांगता है, सवाल हकीकत से इदराक का तालिब होता है, और वो सवाल आपको शक व शुबे में डाल देता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, तो कई स्टूडेंट इसलिए भी बचते हैं सवाल से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, ऑनेस्टली दिस इज माय पर्सनल शेयरिंग, के हमजा जैसे कि हम आगे बात करते हैं कि प्रिविलेज और कुछ लोग प्रिविलेज नहीं होते, लेकिन लाइफ में आपने अपना फोकस या अपना टारगेट रखना होता है कि आपने वो मकाम अटेन करने होते हैं जिनको आप समझते हो कि ये प्रिविलेजेस है, लेकिन एक टाइम आता है तो आपको पता लगता है कि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो मैं ये जितने भी बच्चे हमारे साथ मौजूद है, इन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी। अगर लेट से मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करता हूँ या मैं सर की ग्रेजुएशन के टाइम की बात करता हूँ, तो प्रोबेबली हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं कि अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। तो गाइज मैं अपनी जाती एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जैसे जो हमजा भाई की तरह बात करते थे, जो हमजा भाई की तरह शेयर जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लकुना क्या होता था कि मैं उन लोगों को आइडियलाइज करता था कि मैं इनकी तरह बोलना सीखूं। खैर मैं उनकी तरह बोलना नहीं सीख सका, लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी कि मुझे उस मकाम तक जाना जरूर है, और वो आज वो चीज मैं अपने बच्चों को इनकल्केट कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा इस वक्त फर्स्ट क्लास में, तो आई एम पुटिंग हिम इनटू डिबेट कॉम्पिटिशन ताकि वो इन चीजों में जाए। तो ये जो आप लोग हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है लाइव आके सवाल पूछना, अपने कॉन्फिडेंस को टेस्ट करना, अपने नॉलेज को टेस्ट करना, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, चैलेंज करना चाहिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल हमारे पास कुछ हैंड रेज हुए हैं, जिसमें एक है मारिया गुल का दोबारा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल मारिया गुल का भी क्वेश्चन है। उबैद मारिया गुल का माइक ओपन करिएगा। जी मारिया आपका माइक ओपन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी मिस तंजा ने पूछा था कि जब लोग इसके बारे में बात करते हैं तो आपने बोला था इग्नोर करना चाहिए, लेकिन सर कुछ लोग इतनी ज़रा बातें करने लगते हैं और अगर हम उन्हें आंसर ना करें तो फिर वो आगे से कहते हैं कहीं ये डर गया है, ये बात नहीं करता, वो आपको बहुत ज़रा क्रिटिसाइज करते हैं और फिर आपको आंसर करना ही पड़ता है। सर इस बार में आप क्या करना चाहेंगे, हमें भी आंसर करना चाहिए या फिर भी हमें इग्नोर ही करना चाहिए जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें? जी डॉक्टर,
एक मुहावरा बोला जाता है, इग्नोरेंस इज द ग्रेट ब्लेसिंग। मतलब देखो ना, एक तो अगर कोई क्वेश्चन उसका कोई रीजनेबल है तो आप उसका जवाब दे, लेकिन अगर वो वाहियात क्वेश्चन करता है तो साइलेंस इज द ग्रेट थिंग। आप एक दफा करेगा, दो दफा करेगा तो वो खामोश हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना ही नहीं चाहिए या उस क्वेश्चन की वो वर्थ नहीं है। तो फिर कहते हैं ना, मुंह देख के चपेट मारनी चाहिए। मैं तो इसमें ये आपका है कि अगर वो वाकई देने वाला नहीं है तो इग्नोरेंस तो या खामोशी, ये बेहतरीन इलाज होते हैं ऐसे लोगों के। जी डॉक्टर जदून, मेरा ख्याल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इसको देखूं तो जो लोग शादीशुदा हैं वो रोज इस सिचुएशन से गुजरते हैं। मैं लाइटर नोट पे इसे एग्जांपल लेता हूं, और इसका बेहतरीन तरीका है आगे से स्माइल कर देना, कि अगर आप स्माइल कर दें तो जो जवाब दे के आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, अगर किसी के सवाल के जवाब में आप उसको इररिलेवेंट कर दें सिर्फ स्माइल के साथ, तो यकीन करें जितना पेन उसको होगा वो ही विल नेवर डेयर टू आपको तंग नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई बंदा ये समझता है कि आप डर गए हो, तो आप उसको अगर स्माइल करके कह दो, हाँ जी मैं डर गई, तो यकीन करें कि वो इस चीज के पेन में बहुत देर तक जो है ना मुबतला रहेगा कि यार ये मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। तो दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट ऑन दिस। ये बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल आप दोनों हजरात ने बात की, और खासतौर पर आपने जो शादी की मिसाल दी ये ज्यादा बड़ा मामला, क्योंकि एक छत तले होता है और ये पूरी जिंदगी होता है। एनीवेज, इसके ऊपर मैं आपको मारिया वो गौतमा बुद्ध की एक स्टोरी है रूल ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर, वो बड़ी सादा सी स्टोरी है कि ना एक बंदा आता है जो गौतमा बुद्ध से बड़ी नफरत करता है। तो गौतमा बुद्ध अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, तो वो बंदा आके ना गालियां देना शुरू कर देता है उसको, बड़ी बड़ी माँ बहन की गालियां देता है, बाप बेटे की गालियां देता है। तो मैंने सिर्फ बाप बेटे की इसलिए कहा ताकि गालियों में तासुब ना हो। तो वो गालियां देता है तो गौतमा बुद्ध बड़े सुकून से बैठा होता है, तो हम उसे बैठा होता है। एंड पे जब वो 15-20 मिनट अपना गुबार निकाल लेता है तो उसे कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई मेरी गालियों से, तुम्हें गुस्सा नहीं आया, मुझे रद्देअमल ही नहीं दिया। कहता भाई देखो, तुम मेरे लिए एक तोहफा लाते हो और तुम मुझे तोहफा पेश करते हो और मैं वो तोहफा लेने से इनकार कर देता हूँ, तो वो तोहफा किसका हुआ? तो वो तोहफा तो तुम्हारा हुआ, तो मैंने तुम्हारी गालियां रिसीव करने से इनकार कर दिया, तो ये तुम्हारी है, इन्हें साथ ले जाओ। So that's how it is. जी, any other final question from Afaq Tariq ने इन्होंने raise किया हैं, फिर then we'll close it. Afaq Tariq. Assalamu alaikum sir. I am Afaq Tariq from DVM second year. Sir, मेरा question ये है कि जब आपने कहा कि जो failure है वो one factor for pain, तो क्या अपॉर्चुनिटी नेसेसरी है इस पेन से निकलने के लिए? और अगर अपॉर्चुनिटी नेसेसरी नहीं है तो क्या हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स होने चाहिए जो हमें अपना डेवलप करने चाहिए उस पेन से निकलने के लिए? थैंक यू। जी डॉक्टर अली, आप ही देखिए। अच्छा जी जी डॉक्टर जदून। अच्छा सॉरी, मैं समझता हूँ कि मेरा प्रैक्टिकली ऑस्पेक्ट, क्योंकि प्रॉबेबली मैं बुकिश नॉलेज को यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें इंसान अपने प्रोसेस से सीखता है या मेटामॉर्फोसिस से सीखता है वो शायद बेहतर तरीके से समझा सकता है। मेरी लाइफ में जो मैंने चीज़ें सीखी या जो हम आपस में डिस्कस करते हैं उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज आपने क्रिएट करनी होती है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आती, आपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होती। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं डीवीएम के अंदर आ गया हूँ और डीवीएम मेरा एक प्रोफेशन बन चुका है, तो इसके साथ लगाव, इसके साथ मोहब्बत, इसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मैंने खुद ढूंढनी है। अगर मुझे मालूम है कि फॉर एग्जांपल 1,000-1,200 स्टूडेंट पर एनम प्रोड्यूस हो रहा है और मैं इस सवाल के साथ अपने जहन के ऊपर अपना एक पेन तारी कर लूं कि आगे नौकरियां नहीं है, तो मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं सकता। लेकिन इसी सिचुएशन के अंदर लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं, लोग अपने आप को मोटिवेट करके नई राहों पे भी जा रहे हैं, आगे ऑनलाइन के बिजनेसेस में भी जा रहे हैं, कंसल्टेंसीज भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेटेड क्या है कि अपनी जो हकीकतें हैं या जो आपकी प्रेजेंट रियलिटीज है उनको एक्सेप्ट करना और उनके मुताबिक अपने आप को आगे चलाना। हमजा, आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना डॉक्टर जदून। सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, और सेल्फ मोटिवेशन जो है ना इसका एक बड़ा बुनियादी जो हकीकत का इदराक होता है, मैं ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, अगर ये जरा सा गाढ़ा लफ्ज़ है तो इसको आसान कर लेते हैं, कि रियलिटीज की रियलाइजेशन जो है
वो जरूरी होती है। अब आपने जिस तरह सवाल किया ना अपॉर्चुनिटी, तो आप दो तीन हकीकतों का इदराक आपको होना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत हो गया है और हो जाएगा। नंबर वन, खुदा कंधों के ऊपर जो बोझ डालता है वो आपकी बसात से ज्यादा नहीं डालता। ये एक फितरी बात है एंड दिस इज हाउ थिंग्स मूव ऑन। हमें जब वो लगता है कि बोझ ज्यादा है तो वो उतना ही बोझ है जितना आप उठा सकते हैं। वो आपको ज्यादा लग रहा होता है लेकिन आप उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, इसका मतलब यू कैन कैरी ऑन दैट। नंबर टू, इन्वायरमेंट, फितरत, नेचर का जो डिजाइन है ना, अब इसके लिए आपको नेचर का डिजाइन स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेचर का जो डिजाइन है उसमें अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती ही मिलती है। फर्क सिर्फ ये होता है कुछ उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं एंड दे वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड द अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। एंड अपॉर्चुनिटी डू नॉट नॉक्स द डोर वंस इन लाइफ। कई लोग कहते हैं ना लेडी लक नॉक्स वंस इन अ लाइफ टाइम। नो इट्स नॉट लेडी लक या अपॉर्चुनिटी नॉक्स मेनी अ टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अट्रैक्शन फोर्स। आप कितनी अट्रैक्शन से उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर डिपेंड करता है। सो अपॉर्चुनिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करती है दर्द से निकलने के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, समटाइम होती है अपॉर्चुनिटी और आप अंधे होते हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही होती क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, आपकी आंखों के ऊपर पर्दा होता है और वो फिल्टर होता है। वो पर्दा किस चीज का होता है? वो उस बेचारगी का पर्दा होता है जिसमें हम वो जी रहे होते हैं कि हम बेचारे। उस बेचारगी का पर्दा ना हो तो हमें वो अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाए। और दूसरा पर्दा किस चीज का होता है? एक पर्दा बेचारगी का होता है और दूसरा पर्दा जो होता है वो कम हुनरी का होता है। हमारे पास तैयारी नहीं होती उस अपॉर्चुनिटी के लिए, इसलिए हम उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवाने के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो वी फील द अपॉर्चुनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो रिमेंबर ऑल दिस व्हाट आई हैव सेड। जी ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि टुडे सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ वेट क्रिसन सोसाइटी के स्टूडेंट्स का और उसके तमाम जो अहदेदारान हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा और बाकी तमाम जो सुनने और देखने वाले जितने भी यूथ हैं कि वो आए यहाँ पे। एक हमारा जो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके अंदर बहुत लर्निंग है। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे और इसी तरह हम आगे चीजों को बेहतर करते जाएंगे। तो आज की जो दो टेक होम मैसेज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स आप लोगों ने बहुत से टेक होम्स लिए होंगे। नंबर वन के पेन इज अ लर्निंग प्रोसेस, जिसके अंदर से हम सब ने गुजरना है और हम सब गुजरते हैं। और दूसरी बात जो हमजा भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट की वो ये है कि 2G जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है उस पर काम करें कि गिव बैक टू योर एनवायरनमेंट। और उसमें आप अपने आप तई सोचें कि आज अगर मैं इस मकाम पे हूं या मेरी कामयाबी के पीछे ये अवामिल या ये फैक्टर हैं, उन तमाम फैक्टर्स को या उन तमाम एनवायरनमेंट को मैं वापस क्या दे रहा हूँ। अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जी के देखें। थैंक यू वेरी मच। और इस होप के साथ कि हमेशा आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे और जो लोग हमें सुन रहे हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते को दोबारा हम हाजिर होंगे नई निशिस्त के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।